أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجل الحزن إذا شئت سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه लाउला वलाव अला बिल्ल बिसमीमल्लास अला محمد. والله المستعان. वल्लमस्तान अल्लाबहना तैाली ही हैं जिससे मदद मांगी जा सकती है और वही हर काम को आसान करने वाला है अल्लाबहाना वाल से दुआ है कि वह हमारे लिए कुरान को पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना इस पर अमल करना दूसरों तक पहुंचाना एक काम हमारे लिए आसान बना दे सही बात ही हम समझें सही बात पर ही हम अमल करें सही बात ही लोगों तक आगे पहुंचाने वाले बना आ, बने अल्लाह सुबहान तला हमें हक इलावत ही करने की तोफ़ी कता फरमा दे आमीन जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वा क्या हाल आप सब लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है बिल्कुल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे ही मुझे अपना रिस्पांस करती जाइएगा चैट बॉक्स में फिर आ, पता चलता जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी तो कैसे जा रहे हैं रमदान और रोजे सुबहान अल्लाह अल्लाह सुबहान तला हमसे कबूल फरमा ले आमीन अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन पर इस्तफार नजर आ रहा है स्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने इस्तफार पढ़ती हूँ पहले ये और फिर इसके बाद हम इस पर बात करते हैं

फिर उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताल के सिफाती नाम पहले मैं आपको तर्जुमा पूरा सुना देती हूँ फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ ए अल्लाह तू अकेला बेनियाज है जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना ही उसका कोई हमसर है ये कि तू मेरे गुनाहों को बख्श दे बेशक तू बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है अल्लाह दुआओं का महीना है ना ये इस्तार से आ, आ, क्योंकि आपको याद है कि वो जिसका मफहम ये है कि आ, तीन बातें थी जब जबरी के पास आए थे तो मंबर पर आप तशरीफ़ लेके जा रहे थे आपको मफूम बस बता रही हूँ तो तीन बातों पर जबरी ने जब आप से, से बात कही थी तो आपसे क्या कहा था कि आप आमीन कहें तो इन उन तीन बातों में से एक बात क्या थी कि उन्होंने कहा था कि और आप जब आमीन आमीन जब कह रहे थे ना तो जाहिर बात है फिर जो सहाबा थे उनको तो सिर्फ आमीन ही समझ आ रहा था ना तो फिर बाद में सहाबा ने पूछा था आप से कि आप किस बात पे आमीन आमीन कह रहे थे तो आप ने फिर उन सबको बताया के आ, मेरे पास इस वक्त जबरी आए थे और उन्होंने तीन बातें मेरे से कही थी ठीक है तो उन तीन बातों में से एक बात क्या थी कि जो जिस किसी ने भी रमज़ान का महीना पाया और वो उस रमज़ान में आ, अपनी मफफरत ना करवा सका तो उसके लिए क्या है हलाकत है बर्बादी है और लानत की जाती है उसके ऊपर सुबहानल्ला तो कितनी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सब मेहनत करें और अल्लाह सबहाना तौ से दुआ करें कि इस रमदान में हमें वो इबादत करने की तोफ़ी क़ा फरमा दे कि अल्लाह सुबहाना को कोई कोई ना कोई बात कोई ना कोई चीज़ हमारी पसंद आ जाए और वो हमसे कबूल फरमा ले और वो हमारी गर्दने आग के अजाब से आज़ाद कर दे हमारी भी और सब मुसलमानों की और सब इंसानों को और सब मुसलमानों बल्कि सारी इंसानियत को अल्लाह हिदायत दे दे आमीन तो उसके लिए डिफरेंट इस्तार हैं तो ये इस्तबार में देख रही थी अल्लाह तो ये मुझे बहुत आ, आ, पस, आ, अच्छा लगा ये तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करती हूँ कि और ये देखिए कितना आसान है ना अल्लास का आ, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ फिर देखें आपको पता है अल्लाह सुबहाना तला का जो जती नाम है ना वो अल्लाह ही है ठीक है और अर्रहमान और बाकी जो नाम है ना अल्लाह सुबहाना तला के सिफाती नाम हो, होते हैं तो देखिए आप इसके अंदर आप काउंट करें कि कितने सिफाती नाम है अल्लाह सोबर के अल अहद असमद ठीक है और फिर उसके बाद अम्म अहद तो दो दफा आ गया और गफूर और अर्रहीम ठीक है ना तो आम, और इसमें तो सुबहान अल्लाह आधा तो वो हम जो सूरास पढ़ते हैं तो उसमें आधी बात तो वही है इसके अंदर तो शुरू में हमें क्या कहना है अल्लास का या अल्ला। और उसके बाद अलहद असमदीम वलमुल्लून अहद और क्या हमने मांगा अल्लाह सुबहाना ताल से कि अल्लाह सुबहान तू मुझे बख्श दे क्या चीज़ मेरे बख्श दे मेरे गुनाह और तू कौन है फिर वही अल्लाह की सिफात बयान की गई है गफूर है और रहीम है सुबहान अल्लाह तो याद हो सकता है ये इसफ़ार आसान है ना इन तला कोशिश करेंगे और ये देखिये अल्लाह शुरू में भी अल्लाह सुबहाना तै की तारीफ़ और आखिर में भी अल्लाह सुबहाना ताल की तारीफ़ तो ये एक आइडियल चीज़ होती है कि अल्लाह सुबहाना तै के नामों से आ, आ, नामों से अल्लाह सुबहाना ताल को पुकारते हैं जब तो ये दुआओं की कबूलियत में इजाफे का बायस बनती है ये चीज़ अल्लाह आपको याद है चलेंदिल्ला सिस्टर असमा आपको तो ऑलमोस्ट याद ही है अभी आप दो मिनट फोकस करेंगे तो ये याद हो जाएगा सुबह अल्लाह और जो बाकी इस हैं जैसे अलहमा काफुन तबुल फाफू अन्य और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं उनके साथ साथ इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए तो मैं आपसे पूछी थी आपको याद है कल सिस्टर फातमा ने आपको सईदार के बारे में बताया था ना और आपको पता है कि सईदुल इस्तफार जो है ना ये सुबह शाम के असकार में ऑलरेडी शामिल है यानी जब हम सुबह सुबह शाम के असकार जब करते हैं ना तो उसमें सईदफ़ार शामिल है अल्लाह और नाम से जाहिर है कि ये क्या है तमाम इस्तफार का सरदार है इसकी इम्पोर्टेंस किसी को पता है क्योंकि कल तो सिस्टर फातमा ने हमें उनको बता भी दिया तर्जुमा भी बता दिया तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एनीवन सईदुल इस्तफार की इम्पोर्टेंस एनी सिस्टर क्योंकि देखिए बात तो हमें पता चल जाती है कि ये काम भी करना है ये भी करना है ये भी करना है ठीक है ना लेकिन अगर पीछे से अगर हमें और इसकी सिग्निफिकेंस पता चल जाए तो हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है सुबहान अल्लाह सारे गुना माफ हो जाते हैं सिस्टर फरजाना सारे इस्तफा इस, इस, आपसे ताकीद फरमाई है स्पेसिफिक मुझे इसकी सिग्निफिकेंस चाहिए सईदफार की सुभान कि वाए देखिए हर चीज के पीछे ना जब हम वाये पूछते हैं तो यही तो होता है गौरव फिक्र तदब्बर करना कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की बात होती है ये कि ये जो काम में कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ क्या रीजन है इसके पीछे क्या हमत है जन्नत में जाएंगे ठीक है जिसने सुबह पढ़ा और इंतकाल हो गया वो जन्नत में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक सिस्टर यास्मीन का जवाब दुरुस्त था बाकी भी एक दो सिस्टर के जवाब सॉरी पीछे पीछे चले गए उनका भी एक दो में सही थी बात तो मैं आपको अब हदीस की रोशनी में इसका बता देती हूँ इस्तिग़फार की इंपॉर्टेंस ठीक है आपसे वल्लम ने फरमाया कि ये जो इस्तिग़फार जो है ये सबसे उमदा इस्तिग़फार है ठीक है नंबर वन और नंबर टू जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए सुबह उनको कह दिया और उसी दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वह जन्नत वालों में से है अल्लाह और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में उनको पढ़ लिया और फिर उसका सुबह होने से पहले इंतकाल हो गया तो वह जन्नत वालों में से है सही बुखारी की हैं है अल्लाह इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस लेकिन आपने ये बात इसमें नोट की है कि वो ये बात है ना कि दुआ जब इंसान मांगते है तो एक यकीन की कैफियत और हजूर कल्ब उसके अंदर होना चाहिए और पूरा यकीन होना चाहिए अल्लाह सुबहाना तै की ज़ात पे कि अल्लाह सुबहाना सुनता है वह समी है वह सुन सुन सुनने वाला है हर चीज़ और वो जानने वाला है और उसकी जो मशीत होती है उसकी हमत पर मबनी होती है सुबह अल्लाह तो ये अगर हम उन अल्फाज पर यकीन रखते हुए ये नहीं कि बस पढ़ लिया पढ़ते नहीं हम दुआए दुआओं को हम क्या करते हैं कॉन्शियसली अः जो है ना उसको कॉन्शियसली उसको पढ़ना चाहिए मैं खाली ये नहीं कि बस अल्फाज पढ़िए पढ़ लिए और ध्यान कहीं और है ठीक है तो हम लोगों ने इस बात की भी कोशिश करनी है कि जब भी हम कोई भी बात कह रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं या फिर कोई दुआ अस्कार वगैरह कर रहे हैं तो हमें साथ साथ हमारा माइंड भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए इसी को क्या कहते हैं कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आपको याद है लास्ट टाइम जब हम अपनी बात कर रहे थे ना गफलत की और तखवा की याद है आप लोगों को लास्ट सेटरडे तो मैंने आपको बताया था ना सुबहानल्ला कुरान मजीद की कोई हम आयतों में से भी दलील लेंगे इन शहा से हमें कोई दलील मिलती है इस गफलत से निकलने की क्या इम्पोर्टेंस है और अपने आप को चेंज करने की क्या इम्पोर्टेंस है ठीक है अच्छा मैं आपको बताती हूँ ठीक है ये दो आयतें हैं अल्लाह एक तो है सूर्य रौद में सूर्य रौत पढ़ी है ना आप लोगों ने अच्छा जी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है आयत लिखी हुई नहीं अच्छा सूर्य अनफाल की चले पहले अनफाल की बात कर लेते हैं फिर सूर्य रोड में भी है अनफाल की आयत है आयत नंबर फिफ्टी क्या फरमा रहे अल्लाह सुबहान तआला इसमें ज़ालिका बि अन्न अल्लाह लम यकु मुगयरन नेअमतन अनअमाहा अला कौमिन हत्ता युगयरु मा बि अनफुसिहिम व अन्न अल्लाह समीउन अलीम सूरह अल अनफाल तो इसके अंदर हमें क्या बात पता चल पता चल कि ये ये के अल्लाह सुबहान तआला नहीं है वो क्या मुगयरन तब्दील करने वाला कोई भी नेमत उसने इनाम किया उसको यानी किसको उस नेमत को किसी नौम पर यहाँ तक कि वो खुद सब लोग जो है ना वो तब्दील कर लें जो उनके अपने नफ्सों में है अल्लाह यानी घूम फिर कर बात जो है ना हमारे अपने ही तरफ आ जाती है कि जब तक हम किसी चीज का पक्का इरादा नहीं करेंगे अपनी नीयतों में अखलास पैदा नहीं करेंगे सच्चे दिल से अल्लाह सुबहान तला से मदद नहीं मांगेंगे उसको पुकारेंगे नहीं हिदायत के लिए तड़पेंगे नहीं तलब नहीं करेंगे तो तब तक ये चीजें नहीं हासिल हो सकती जब अल्लाह सुबहाना तै देखते हैं कि इस बंदे के अंदर तड़प है तलब है वो किस तड़प से वो चीज़ मांग रहा है तो फिर अल्लाह सुबहाना भी इजन होता है तो वो काम हो जाते हैं अल्लाह कोई भी काम जो होता है ना अल्लाह सुबहाना तजन के बगैर नहीं हो सकता ठीक है तो फिर यही वाली बात होती है कि हमारे एंड पे क्या बात हम अल्लाह सुबहाना तला से कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि जब तक हम अपनी कोई आदत कोई उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे अंदर होता है कि जब तक हम उसको उस चीज को चेंज नहीं करेंगे और उसका इरादा नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नहीं वर्कआउट करती अल्लाह एक और आयत भी है जो आपको सुरय रात की बता रही थी ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ सुबहान्ला सुर ठीक है सूर्य नंबर थर्टीन है यह

हमारे हिफाजत के लिए अल्लाह सुबहाना फरिश्ते मुकर किए हुए हैं और ये है बीच का आयत का हिस्सा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बेशक अल्लाह नहीं तब्दील करता जो उस कौम के साथ यहाँ तक कि वो खुद तब्दील कर लें जो उनके अपने नफ्सों में हैं तो आपने अब ये देखा सुबहाना अल्लाह की इसके अंदर क्या बात समझ में आई कि जब तक हम अपने नफ्स में कोई भी बुरी आदत या हमारे अंदर कोई भी चीज जो हम चेंज करना चाहते हैं जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो चीजें चेंज नहीं होंगी और जब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तला अल्लाह सुभान अल्लाह भी इंसान की मदद करते हैं वो चीज फिर वैसे हो जाती है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अनलेस वी वांट टू चेंज अनलेस वी वांट टू चेंज अल्लाह सुभान अल्लाह वोंट हेल्प बिल्कुल ठीक है आपको पता है ना कि हम इंग्लिश में भी तो बोलते है ना व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे सुना है ना विल विल वे जब एक इंसान के अंदर विल होती है तो फिर कोई ना कोई वे भी निकल आती है और जब एक इंसान की विल या अंदर से नहीं होती जब आप खुद ही नहीं चाहते कोई काम करना तो आप मुझे बताएं कैसे हो जाएगा कोई काम में सुबह तो और आपको बताइए जो है ना इट इज अ डिजीज ऑफ हार्ट ये बीमारी है अगर हमारे अंदर कोई किसी भी चीज़ में गफलत होती है ना गफलत क्या है वही वाली बात है कि हमें पता ही नहीं है कि ये काम क्यों करना है क्या इम्पोर्टेंस है क्या इसका फायदा है और इसके क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिल सकते हैं यही चीज है ना तो फिर और ये गफलत है और ये तक्वा है, तक्वा एक तकवा है तकवा क्या है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होती है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और हमें अल्लाह सुहा से जब हम दुआ मांगते हैं ना तो ये दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह सन्न हमें हर किस्म की बीमारियों से सबको शिफा त फरमाए जिसमानी बीमारियों से भी और रूहानी बीमारियों से भी ठीक है ना क्योंकि ये ये दिल की बीमारी है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिल जो है वो बीमार है अल्लाह तो जब तक हम जो है ना ख़ुद कोशिश नहीं करेंगे और एक एक करके इन बुराइयों को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे और अल्लाह सुबहाना तैयार से मदद नहीं मांगेंगे इस इस चीज़ में तब तक चीज़ें नहीं ठीक हो सकती अल्लाह और अल्लाह सुबहाना तै को आपको पता है ना क्या चाहिए कल्ब सलीम क़लब मुनीब वो वो अल्लाह सुबहान तला को दिल चाहिए जो अल्लाह अल्ला की मोहब्बत में तड़पता है उसके उस दिल में क्या हो सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना ताली ही है उस दिल में क्या हो होबहाना तै ही प्रायरिटी में सबसे नंबर वन प्रायरिटी कौन है अल्लाह सुबहाना तै और अगर ये नहीं है तो फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है ठीक है अल्लाह सुबहाना तौर से दुआ है कि हमारे अंदर कोई भी कमियां हैं शॉर्ट जो उसी को पता है तो, थीज़ी तो अल्लाह वो अपनी कुदरत से हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो हमें अच्छी आदतों में चेंज करवा दें और हमें वैसा बना दे जैसे अल्लाह सुबहान को पसंद है हमसे वो तमाम अल्लाह सुबहाना तौ काम करवा लें जो अल्लाह जो वो काम करके हम अल्लाह सुबहान तुरब हासिल कर सकें और अल्लाह हमसे वो सारे काम छुड़वा दे जो अल्लाह जल्ला को पसंद नहीं है और अल्लाह सुबहाना हमें वैसा बना दे जैसे उसको पसंद है आमीन चलें इस दुआ के साथ हम अपना आज का जूस स्टार्ट करते हैं आज का जूस हमें पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे ही जूस इम्पोर्टेंट है अल्लाह जूस नंबर ट्वेंटी सेवन इसमें ला करके हम शुरू करते हैं अपना जूस और बिस्म... अच्छा जी इसके अंदर भी जब आप लास्ट जुज में जुज नंबर ट्वेंटी सिक्स में सूर्य पढ़ रहे थे ना तो इसी को आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना तो इस जुज में भी आ, कुछ मक्की सूरते भी हैं कुछ मदनी सूरते भी हैं अल्लाह तो सूर्य सु, सूर्यारारियात है सूर्य नंबर फिफ्टी वन ये मक्की सूरत है ठीक है इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सूर्य तूर है वो भी मक्की सूरत है ठीक है सूर्य नंबर फिफ्टी टू फिर उसके बाद सुर नंबर फिफ्टी थ्री आएगी सूर्य नजम फिर उसके बाद सूरल कमर ये सब मक्की सूरते हैं अल्लाह और फिर उसके बाद रहमान है ठीक है वो मदनी सूरत है और फिर उसके बाद सूर वाक़ वो मक्की सूरत है और फिर उसके बाद सुरहदी है वो मदनी सूरत है तो अल्लाह सुबहान नाम लेकर हम शुरू करते हैं अल्लाह सुबहाना ताल हमारे लिए आसान बना दे हमारा शर सदर फरमा दे और हमें अल्लाह सुबहान की सारी बातें समझ में आ जाएँ और हमसे अल्लाह सुबहाना अमल करवा लें और हमें बााम मोमिन बना दें आमीन बिसमीम अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको की आवाज़ आ रही है तो फिर हम लोग शुरू करते हैं प्लीज़ अपना अपना मसह खोल लीजिए आपकी सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपके पास होंगी आपके पेंसिल्स हाइलाइटर वग़ैरह जो भी आप लोग यूज़ करते हैं अपने पास रखें जो उस बताती जा रही हैं साथ साथ पॉइंट नोट करते जाएँ और और फिर उसके बाद हम फिर अपने जब डिस्कशन होगी तो उसमें देख लेंगे कितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं ठीक है बसमीम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله على ما منح وأعطى والحمد لله على ما عافى وابتلى الحمد 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 له हमदन حمدن अहब ما خلق अलह ما अखदमदा हर किस्म की हमद अल्लाह के लिए है उस पर जो उसने अता किया और इनायत फरमाया तमाम किस्म की हमद अल्लाह के लिए है इस बात पर जो उसने सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाई और इस पर भी अल्लाह की हमद है जो उसने आजमाइश में मुबतला किया ऐसी हम जो तमाम किस्म की हम से ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा हो और तमाम किस्म की हम से ज्यादा उसे महबूब हो और उसके नज़दीक तमाम किस्म की हम से ज्यादा अफजल हो ऐसी हम जो उन तमाम वस्तों को भर दे जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है और उन तमाम इतिहाओं तक पहुँच जाए जिसका अल्लाह इरादा रखता है सताइसवा पारा قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين इब्राहिम ने कहा भेजे जाने वालो यानी ए फरिश्तो तुम्हारा क्या मामला है यानी इस बशारत के अलावा जो तुम मुझे बेटे की दे रहे हो और क्या काम है क्या मकसद है जिसके लिए तुम्हे भेजा गया है कौलू इन्ना उर्सिलना इला कौम मुजरिम उन्होंने कहा बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैंजार ताकि हम उन पर मट्टी के पत्थर बरसाए मुजरिम लोगों से मुराद कौम लूत है और बरसाए का मतलब यह है की उनको उन पत्थरों से रजम करे ये कंकरियाँ जो थी खालिश पत्थर की थी आसमानी औलों की बाजलों का नहीं बाज जिसे ओले बरसे ओले नहीं बरसे पत्थर बरसे जो तेरे रब के हाँ उन हद से बढ़ने वालों के लिए निशान जदा है तो जो भी मोमिनों में से था हमने उसे उस बस्ती में से निकाल लिया यानी एक तो ये कि वो पत्थर निशान ज़्यादा थे कि कौन सा पत्थर किसको जाके लगेगा और उससे उसकी मौत वाक होगी उस पर उसी का नाम था और दूसरा ये कि अजाब आने से पहले हमने ईमान वालों को वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया और निकाल लिया फी हा गई रई तिमिन मुस्लिम तो हमने उस बस्ती में मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया और वो घर था लूत सलाम का अपना घर जिसमें दो बेटियां थी और कहा जाता है कि कुछ और ईमान वाले थे जो वहीं बना लिए हुए थे और ये कुल तेरह आदमी थे इनमें हजरत लूत की बीवी शामिल नहीं थी वो अपनी कौम के साथ अजाब से हलाक होने वालों में से थी तो इससे पता चलता है की अगरचे ईमान वाले थोड़े ही क्यों न हो अल्लाह तला उनकी कदर करता है और उनको दुनिया में भी निजात देता है और आखिरत में भी देगा इनशाला वो तरक ना फी या खाफून अल अदाबल अलीम और इसमें हमने एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं यानी अल्लाह सुबह ने उनके अजाब के आसार को बाकी रखा लेकिन निशानियों से कौन फायदा उठाता है वही जो अल्लाह से डरता हो क्यूँके लिल् या खाफून अल अजाबल अलीम क्यूँकी आमतौर पर होता यह है कि दूसरे लोग जो ईमान नहीं रखते वो कहते हैं कि इन लोगो को जमाने की गर्दिश ने तबाह कर दिया और तबई तब्दीलियाँ कुछ ऐसी फजा में हुई कि जिनकी वजह से ये सारा हादसा पेश आया वो उसको उनके जुर्म के साथ एसोसिएट नहीं करते वफी मूसा नाह फिर सुल्तान और मूसा में भी निशानी है जब हमने उसे फिरओन की तरफ खुली दलील के साथ भेजा तो उसने अपनी कुत के तकबर की वजह ऐसी हक से मुंह मोड़ लिया और कहने लगा मूसा जादूगर है या दीवाना है तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया फिर हमने उन्हें में फेंक दिया जबकि वो मुलामत ज़्यादा था यानी उसके काम ही ऐसे थे जिन पर वो मुलामत का मुस्तक हो गया वफी आद और आद में निशानी है जब हमने उन पर एक बांझ हवा को भेजा जिस चीज पर भी वो आती उसे बोसीदा हड्डी बना के छोड़ देती यानी उस हवा में कोई खैर बरकत नहीं थी वो हवा दरख्तों को समरावर करने वाली नहीं थी बारिश लाने वाली नहीं थी बल्कि सिर्फ अजाब और हलाकत लाने वाली थी और समुद्र में एक निशानी है जब उनसे कहा गया कि तुम एक वक्त तक फायदा उठा लो तो उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की तो बिजली की कड़क ने उन्हें पकड़ लिया और वो देख रहे थे यानि जब उन्होंने खुद से मांगे हुए मोजे यानी ऊटनी को कतल कर दिया तो उनसे कह दिया गया कि अब तीन दिन तक तुम्हारी मोहलत है जो मजे कर सकते हो कर लो तीन दिन के बाद तुम हलाक कर दिए जाओगे फिर भी वो कौम नहीं समझी और तोबा नहीं की पलटे नहीं अगर कौम यूनुस की तरह पलट आते तो माफी मिल जाती अब भी माफी मिल सकती थी लेकिन उन्होंने सरकशी दिखाई और बिल आखिर हलाक हुए बस न तो उन्हें खड़े होने की इस्त हुई और न ही वो बदला लेने वाले हुए और इससे कबल कौमू को हमने हलाक किया बेशक वो फासिक लोग थे यानी जब उन पर अजाब आया तो फिर वो उठ ही नहीं सके खड़े ही नहीं हो सके और हमेशा के लिए खत्म होकर रह गए और उनके पास कोई ताकत नहीं थी कि अल्लाह के अजाब से खुद को बचा सकते तो बगावत का रास्ता अपनाने वालों के लिए यही अंजाम रखा है अल्लाह ने जो कि मुख्तलिफ कौमों के अंदर हमें दिखाया जा रहा है वो समा अब नई नाह मू से ऊन वाल रश नहा फन अमल माहिद और आसमान को हमने अपनी कुत ऐसी बनाया और बेशक हम यकीन उसे वसत देने वाले है और जमीन को हमने बिछा दिया बस हम कितने अच्छे हम बार करने वाले है मुँह से ऊन का लफ्ज मुह से ऐसे है जिसका माना ताकत और कुदरत रखने वाला भी हो सकता है और वसी करने वाला भी तो अल्लाबान ताला ने किसी और की मदद के बगैर खुद अपने हाथ ऐसी आसमान को बनाया और कायनात को फिर एक दफा बना के छोड़ नहीं दिया बल्कि उसको अल्लाह ताला वसी भी करते चले जा रहे हैं यानी उसमें गुस्सते पैदा हो रही है अल्लाह ताला की सिफत खल जो है कि वो पैदा करने वाला है वो हमेशा के लिए है वो पैदा करता चला जा रहा है और हमने हर चीज के जोड़े बनाए शायद की तुम नसीहत पकड़ो यानी सारी कायनात तजवीज के उसूल पर पैदा की गई है यानी हर चीज का कोई ना कोई जोड़ा है कभी मुतजाद जोड़े हैं जैसे सेहत और बीमारी दौलत और फकीरी मौत और जिंदगी खुशी और गम हंसना और रोना और कभी दोनों एक दूसरे के मुआफ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने वाले फिर इन्नी लकुमिन नबीन बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ ऐसी खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ यानी गुनाह करने के बाद फौरन अल्लाह की तरफ पलट जाओ ताखिर न करो भागने का मतलब क्या होता है कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ तेजी से जाना यानी गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ जाओ कुफर छोड़कर ईमान की तरफ जाओ शिर छोड़कर कर तोहिद की तरफ जाओ और देर न लगाओ तो कुछ लोग शादतमंद होते हैं उनका भागना होता है और कुछ बदबख्तों का भागना होता है शादतमंद अल्लाह की तरफ दौड़ लगाते हैं और बदबकत अल्लाह से भागते हैं दीन से भागते हैं नेकी की बात से भागते हैं तो मुख्तलिफ लोगों की दौड़ मुख्तलिफ तरह की होती है और कुछ खास लोग होते हैं, जो अल्लाह सुबहान तला की तरफ दौड़ते हैं यानी यकीनी इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद अमल में दौड़ लगाते हैं और फिर अपने अंदर पर भी नजर रखते हैं अपने बातनी खुशू की तरफ दौड़ते हैं और जाती लज्जतों से निकल कर खालिश अल्लाह की पसंद की तरफ अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है ऐ आदम तू मेरी तरफ खड़ा हो मैं तेरी तरफ चल के आऊंगा और तू मेरी तरफ चल कर आ मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा तो जो अल्लाह की तरफ दौड़े फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ कैसे बढ़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है अगर बंदा मुझसे एक बालिश करीब हो तो मैं एक गज़ उसके करीब होता हूँ और अगर वो एक गज़ मेरे करीब होता है तो मैं उसे दोनों हाथों के फैलाव के बराबर उसके करीब होता हूँ और अगर वो मेरी तरफ चल कर आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ अल्लाह हमें अपने रस्ते में दौड़ने वाला बना दे वाला तलुमा अल्लाह मिनहु इन मुबीन। और तुम अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाओ बेशक मैं तुम्हें तो उसकी तरफ से खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ यानी खोल खोल कर डरा रहा हूँ और खैर खाही कर रहा हूँ तुम अल्लाह ही की तरफ रुजू करो उसी पर एतमाद करो उसी पर भरोसा करो सिर्फ उसी की इबादत करो उसके साथ किसी दूसरे को शरीक न करो अगर शरीक करोगे तो जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे इसी तरह जो रसूल भी उन लोगों के पास आया जो इनसे पहले थे उन्होंने यही कहा कि ये जादूगर है या मजनून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि ये लकब सिर्फ आपको नहीं दिए जा रहे हर नबी को दिए गए क्या वो एक दूसरे को इस बात की वसीयत कर गए थे बल्कि यह है ही सरकश लोग बस आप इनसे मुंह मोड़ लीजिए आप पर कोई मिलामत नहीं यानी आप अपना हक अदा कर रहे हैं लेकिन इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए यूँ लगता है जैसे हर कौम ने दूसरी कौम से कोई समझौता कर रखा था क्योंकि इंसानों की नफसियात हर दौर में एक ही तरह की रही है वो वकिर व इन जिकरा तनफाउल और आप नसीहत कीजिए बेशक नसीहत मोमिनों को फायदा देती है यानी हर एक को नसीहत से फायदा नहीं होता और आपने ये तजुर्बा किया होगा कि किसी को आप अच्छी बात बताते हैं तो वो खुशी से कबूल करता है वो आपका शुक्रिया अदा करता है आपके लिए वारी जाता है कि इसने मेरे साथ इतनी खैर खाई की कि मुझे एक अच्छी बात बता दी मुझे मेरी गलती बता दी मुझे राह दिखा दी और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको बहुत प्यार से अच्छे से भी कोई ऐसी बात आराम से कहे कि जो उनके फायदे की हो तो वो आपसे बरह हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं और आपसे मिलना जुलना तक छोड़ देते हैं आपसे कतराने लगते हैं कि कहीं ये दोबारा हमें कोई नसीहत ना करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि आप नसीहत करते रहिए जो ईमान वाले होंगे उनके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देगा अल्लाह ताला कि वो नसीहत को कबूल कर ले हदीस में आता है मोमिन को इस हाल में पैदा किया गया कि वो आजमाइ में मुब्तला होने वाला तौबा करने वाला और भूलने वाला होता है जब उसे नसीहत की जाती है तो वो नसीहत कबूल करता है खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला अब और जिन्हों और इंसानों को मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो सारी मखलूक का खालिक है तो सिर्फ जिन्हों और इंसानों का तो नहीं तो सबको छोड़ के इन दो को क्यूँ इबादत के लिए मुंतब किया गया तो बात यह है की सारी कायनात के अंदर अल्लाह की इबादत तस्बी इता प्रोग्राम कर दी गई वो ऑटो पे करे जा रहे हैं उनके पास चॉइस ही नहीं है ये चॉइस चौस इंस को दी गई अफरिश्ते भी इबादत करते हैं उनको नहीं कहा जा रहा है इबादत करो क्योंकि उनके अंदर प्रोग्राम है कि उन्होंने तादाद करनी है अल्लाह की तस्बीह करनी दोनों काम करते हैं काम भी करते हैं और तस्बीहात भी करते हैं सजदे और रुकू भी करते हैं लेकिन इंसान जो है उसको अल्लाह तआला ने आजादी दी है इख्तियार दिया है कि चाहो तो करो चाहो तो ना करो वो बंदगी से मुंह भी मोड़ सकते हैं और अल्लाह के सिवा दूसरों की बंदगी भी कर सकते हैं तो यहाँ पर उन्हें रिमाइंडर दिया गया कि मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है लिहाजा इससे नहीं मुंह मोड़ना अब बात यह है कि जो शख्स गैर अल्लाह की इबादत करता है वो दरअसल अपनी फितरत से लड़ता है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर खैर रखी नेकी रखी उसको जब बनाया इस काम के लिए है तो उसको तैयार भी इसी के लिए किया जब वो इसके खिलाफ जाता है तो मशक्कत उठाता है और जो आजादी उन्हें बख्शी गई इंसानों को उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की इताअत में लगानी चाहिए एक और चीज यहाँ समझने की है कि इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं क्योंकि जब लफ इबादत आता है ना फला बड़ा इबादत गुजार है तो हम समझते है बस वो नमाज रोजा करता है बस ये इबादत है इबादत जो है उसका माना भी है यानी इबादत में नमाज रोज़ा तस्वीर सलाह जक़ात ये सब शामिल है लेकिन ये कम्पलीट इबादत नहीं है ये इबादत का एक तरीका है तोहिद को अपनाना भी इबादत है इसीलिए अपने अब्बास इस आयत का माना करते हैं इल्ला लिया लिया वाहिदून के लोग मुझे एक माने ये भी इबादत है इसी तरह अल्लाह ताला की इतात का हर काम हर कौल हर फेल वो सब इबादत करार पाता है मसला इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं तो क्या ये इबादत है या नहीं जाहिर आप ना नमाज पढ़ रहे हैं ना कोई आप और कोई तस्वीर कर रहे हैं बल्कि इस वक्त कुरान का तर्जमा सुन रहे हैं तो ये इल्म हासिल करना एक अच्छी नीयत के साथ ये भी एक इबादत है तो हर अच्छा काम जो आप करते हैं अल्लाह की रजा की खातिर वो इबादत बन जाता है अल्लाह ने अपने बंदों को इसलिए पैदा किया कि सबसे ज्यादा उसी के वफादार बने माँ रिस्क व माँ उरीद मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और न मैं ये चाहता हूँ की वो मुझे खिलाए या रिस्क की बात क्यूँ की गयी इसलिए की इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया है रिस्क कमाना सबसे ज्यादा उससे फिक्र खाने पीने की होती क्या बनेगा मेरा कहाँ से खाऊंगा क्या खाऊंगा कब खाऊंगा तो बात यह है कि अल्लाह सुबहाना ने ये हमारी एक जरूरत रखी है ये जिंदगी का मकसद नहीं रखा कि तुम ज्यादा से ज्यादा रिस्क ही कमाते जाओ अल्लाह की नाफरमानी की कीमत पर। नहीं बेषक अल्लाह ही खूब रिस्क देने वाला बड़ी कुत वाला निहायत मजबूत है यानी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता और इसी तरह यह है ताला की यानी अल्लाह तला की इंसानों और जिन्हों ऐसी कोई गर्ज नहीं अटकी हुई कि वो इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला की कायनात चलेगी और वो मुंह मोड़ लेंगे तो अल्लाह ताला की कोई कुत नहीं रहेगी अल्लाह ताला किसी की इबादत का मोहताज नहीं वो वैसे ही कबीर है अलमतीन है ये इंसान के अपने फायदे में है कि वो अल्लाह की इबादत करे व इन लिल्लज़ीन ली नम जनूब मिसला जनूब असहा तो बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया उनको भी उनके साथियों के मिसल अजाब का हिस्सा मिलेगा बस वो मुझसे जल्दी तलब न करें यानी अपने एक वक्त मुक्र तक जब पहुँचेंगे तो इनकी पकड़ आ जाएगी बस जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए हलाकत है उनके उस दिन से जिसका वो वादा दिए जाते हैं किताब कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की खुले हुए वर्क में क्या चीज लिखी हुई है कुरान मजीद या इसके अलावा किताब से मुराद लोहे महफूज भी हो सकती है या तमाम अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबे या इंसानी आमाल नामे जो फरिश्ते लिख रहे हैं ये सब किताबे हैं बलबी मामूर और आबाद घर की बैतुल मामूर सातवें आसमान पर वो इबादत खाना है जिसमे फरिश्ते इबादत करते हैं और ये फरिश्तों से इस तरह भरा होता है की रोजाना उसमें सत्तर हजार फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं जिनकी फिर क़्यामत तक बारी नहीं आएगी जैसा की हदीस मैराज में आता है बादज मुफसरीन ने बैतुल मामूर से मुराद खाना काबा भी लिया क्योंकि वो भी इबादत के लिए आने वाले इंसानों से हर वक्त भरा रहता है मामूर का मतलब होता है आबाद और जो अजीम बैतुल मामूर है वो सातवें आसमान पर है वह في المرفوع और ऊँची उठाई हुई छत की इस समाध आसमान है जो जमीन के लिए छत की हैसियत रखता है वल बहरिल मजदूर और भड़काए हुए समुन्दर की यानी बास कहते हैं वो पानी है जो अर्श के नीचे है जिससे क्यामत के दिन बारिश नाजिल होगी और मुर्दा जिसम जिंदा हो जाएंगे बास कहते हैं इससे मरात समुंदर है जिनमें क्यामत वाले दिन आग भड़क उठेगी वह इधर बिहार और जब समुन्दर भड़का दिए जाएंगे इन न आदाब और वाकहू मिंदा बेशक आपके रब का अजाब जरूर वाक होने वाला है उसे कोई दूर करने वाला नहीं जिस दिन आसमान बुरी तरह लरजेगा और पहाड़ खूब चलने लगेंगे उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है वो लोग जो बहस में खेल रहे हैं यानी बेकार की बातें कर रहे हैं खौस बातिल कलाम को कहते हैं और लाभ बेकार कोशिशों को कहते हैं यानी इनके पास ना तो फायदा देने वाला इल्म था और ना ही कोई नेक अमल बल्कि इनका इल्म क्या था बातिल में बाजूल मौजुआत पर गुफ्तु करना और इनके अमाल में एंटरटेनमेंट खेल कूद गैर जिम्मेदाराना रवैया यो मयु दाऊना इला नारी जहन्नम द जिस दिन वो जहन्नम की आग की तरफ सख्ती से धकेले जाएंगे यही वो आग है जिसे तुम झुटलाते थे और धकेलने वाले कौन होंगे जहन्नम पर मुकरर फरिश्ते हादा अम ला तुम सिरून। तो क्या भला ये जादू है या तुम देखते नहीं झुलसो इसमें फिर तुम सबर करो या ना करो तुम पर बराबर है बेशक तुम वही बदला दिए जा रहे हो जो तुम किया करते थे इनल मुत्तकी फी जन्ना तुम व नाईम बेशक मुत्तकी लोग बागों और राहतों में होंगे जो उनके रब ने उन्हें अता किया उसके साथ वो मजे कर रहे होंगे और उनका रब उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लेगा तुम तो खूब मजे से खाओ और पियो उसके बदले जो तुम किया करते थे अमल का बदला है कतार में रखे हुए तख्तों पर तकिये लगाए हुए होंगे और हम उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाली गोरी औरतों के साथ ब्याह देंगे और ये जो कतार दर कतार तकिए लगे हुए होंगे और दूसरी जगह पर आके आमने सामने बैठे होंगे रिलैक्स माहौल होगा जन्नत का जिसमें कोई फिक्र नहीं होगी कोई परेशानी नहीं होगी किसी काम की जल्दी नहीं होगी यहाँ तो अगर आप किसी वक्त किसी के पास जाएं और थोड़ी देर सस्ता लें तो आपको है मुझे जल्दी जाना है बस निकलना है पुना काम है पुला काम है वहाँ सारे ही काम खत्म हो जाएंगे और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और हम उनके अमल में कुछ भी कमी न करेंगे हर शख्स अपनी कमाई की वजह से गिरवी में है यानी जन्नत की एक और खूबसूरती ये है कि सारे प्यारे इकट्ठे हो जाएंगे जो ईमान पर होंगे यानी बच्चे भी पेरेंट्स भी उनके पेरेंट्स भी सबकी मुलाकातें होंगी और जन्नत में मुलाकातें इस तरह होंगी कि कम दर्जात वालों को ऊंचे दर्जात वालों के साथ मिला दिया जाएगा ये नहीं कि ऊंचे वालों को नीचे लाया जाए और याद रखिए कि औलाद के इस्तार की वजह से वालदेन के दर्जा बुलंद होते जाते उसने एक औलाद बहुत नेक नहीं भी लेकिन वा बाप के लिए दुआएं करती अब माँ बाप के दर्जे बहुत बुलंद हो गए जब यह औलाद वालदेन से मिलेगी ये अभी खुद नीचे वाले दर्जे में है और वालदे ऊपर तो इनको भी ऊपर ले जाया जाएगा वह अमद ना हम बिफा के और हम उन्हें फलों और गोश्त में से जो वो ख्वाहिश करेंगे दिए चले जायेंगे वो उसमें एक दूसरे से जाम शराब पर छीना झपटी करेंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना कोई गुनाह की बात और नौ उमर खादिम उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे गोया के वो छुपाए हुए मोती हों यानी जन्नतियों के लिए जन्नत में जो खिदमत गुजार होंगे वो यंग बच्चे होंगे जो इंतहाई खूबसूरत होंगे जैसे मोती बिखरे हुए हों और उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया कि उनकी चमक माद पड़ जाए और वो एक दूसरे की तरफ मुतवजे होकर पूछेंगे कहेंगे बेशक हम इससे पहले अपने घर वालों में डरने वाले थे अल्लाह अकबर यानी आपस में जन्नतियों की बातचीत कन्वर्सेशन का यहाँ सैंपल दिया जा रहा है वो क्या बातें करेंगे वहां इंसान सोचता है ना सारा इमेजिन करता है कि वहां जाएंगे फिर क्या बातें होंगी कैसे मुलाकातें होंगी कहाँ बैठेंगे क्या खाएंगे क्या पियेंगे वगैरह वा तो जन्नत वाले जब आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या बताएंगे हम इससे पहले अपने घर वालों में डरते हुए रहते थे यानी जन्नती एक दूसरे से जब दुनिया के हालात पूछेंगे तो वो जवाब में क्या कहेंगे कि हम अल्लाह से डरते थे हर किस्म की आसाइशें होने के बावजूद इस बात से डरते थे कि कहीं हमसे अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी का काम ना हो जाए कहीं हमारी नेकियां रद्द ना हो जाए कहीं हमारी अमाल की शामत ना आ जाए कहीं हमारा खात्मा खराब ना हो और फी अहलिना खास तौर पर ये भी कहा जा सकता हम दुनिया में डरते हुए रहते थे नहीं फी अहलिना अपने घर वालों में यानी इसका एक माना ये भी है कि घर वालों के अंदर होते हुए भी हम अल्लाह से डर के एक दूसरे के साथ मामला करते थे और ये भी कि अपने घर वालों के बारे में भी डरते थे फी आ लेना यानी उनके बारे में कि कहीं ये अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में जाननम का ईंधन न बन जाए और कहीं राह रास से न भटक जाए और कहीं किसी गलत काम में हम सब न पड़ जाए अब देखिये इंसान का असल दीन वो है जो उसके घर में होता है आप घर में अपने रियल सेल्फ में होते हैं वहां देखा जाएगा कि आपकी इबादत कैसी है आपका घर वालों के साथ रवैया कैसा है आपका अखलाक कैसा है आपके मामला कैसे हैं, आप एक दूसरे की केयर कितनी करते हैं आप एक दूसरे के लिए कितने फेथफुल हैं, ये सारी चीजें घर से निकलती हैं, घर में पता चलती है। अगर आप बाहर जाके लोगों को लेक्चर दे रहे हैं और घर में आपने लड़ाई फसाद डाला हुआ है क्योंकि बाजत ये शिकायत भी मिलती है कि वो मेरी बहू वैसे तो बहुत लेक्चर देती है लेकिन खुद उसका कुछ अमल नहीं कर वो अपने मियाँ से बहुत लड़ती इस कदर अफसोस की बात है, अगर किसी के बारे में आप ये बात सुने या बाईस वर्षा कि मेरी सास हर वक्त दीन की बात करती हैं घर में भी बड़ी नसीहतें करती हैं लेकिन मिजाज की बड़ी सख्त है तब आप सोचिए कि ये तो दीन से भटकाने वाली बात हो गई ना दीन से फेरने वाली हो गई तो घर वाले हमारे लिए इम्तिहान जरूर होते हैं और सबसे ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनके साथ होती है सबसे ज्यादा तो उनसे होती है सबसे ज्यादा हम उनके साथ फ्रैंक भी होते हैं तो उसके साथ साथ ये कि फिर हम बाजुकात अपनी हदूद भी पार कर जाते हैं तो हमें अल्लाह से डरते हुए घर वालों में रहना चाहिए और किसी कमजोर के ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद ही मसलन बहुत एम्पावर्ड होती हैं और वो घर में किसी को पर नहीं मारने देती और अगर वो दीन पर हो तो उनकी वजह से दीन भी साथ ही बदनाम हो जाता है तो हमें ठीक है घर में डिसिप्लिन रखना है घर वालों को तबलीग करनी है घर वालों को सिखाना है लेकिन उन्हें चिड़ाना नहीं है चिड़ाने का मतलब समझ गए कि जब आप बैठे नसीहत ही करें जब बैठे उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दे जब बैठे आप उनकी कोई खामी ढूंढ लाए या उनसे बहस मुबासा शुरू कर दे ये दीन नहीं है आपके दीन का असल इम्तहान आपके घर में है और इसी तरह घर में होते हुए आप अल्लाह की हदूद का कितना ख्याल रखते हैं क्यूँकी बाजत यह भी होता है आप दीन में आपके घर वालों में से कोई भी दीन में नहीं लिहाजा वो ऐसे लतीफे बता रहे हैं ऐसी है मजाक दीन का उड़ा रहे हैं अब आपका इम्तिहान है की आप उनके साथ शरीक होते हैं या आप एहतियात बरतते हैं तो इस मामले में आप यूँ समझे की घर वाले हमारा रिफ्लेक्शन है उसमें हमें हमारा अपना आप नजर आता है की हम कौन है और घर वालों की गवाहियाँ ही असल गवाहियाँ होती है मरने के बाद भी उनकी गवाही गवाही बनेगी कि वो आपको क्या समझते थे आपके बारे में क्या कहते थे वो क्या वो आपकी मौत का इंतजार करते हैं या फिर आपको अपने लिए बाबरकत समझते हैं और आपके वजूद को अपने लिए सादत का समझते क्योंकि कितने ही घरों का ये हाल है ना कि जो वालदान बूढ़े हो जाते हैं तो वो इस इंतजार में बच्चे बैठ जाते हैं कि कब हमारे सर से उतरेंगे और बाद बच्चे तो बदतमीजी की इंतहा कर देते हैं तो इन मामला में हम सबको अपना जायजा लेना चाहिए सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए बस अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहरीली गर्म हवा के अजाब से बचा लिया बेशक हम इससे पहले उसी को पुकारा करते थे बेशक वो बहुत एहसान करने वाला निहायत रहम करने वाला है यानी जन्नती दुनिया में रहते हुए अपने घर वालों में होते हुए कम्फर्टेबल लाइफ गुजारते हुए अल्लाह के अजाब से बचने का एहतमाम करते रहे क्यूँकि इंसान को जिस चीज का डर होता है न फिर उससे बचने के लिए वो भागदौड़ भी करता है और फिर इखलास के साथ दुआएं सिर्फ अल्लाह से फ़मा अंत वक्िर मजनून बस आप नसीहत कीजिए आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है और ना ही मजनून है या ये कहते हैं कि ये एक शायर है जिसके बारे में हम गर्दिश जमाना का इंतजार कर रहे हैं कह दीजिए इंतजार करो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ क्या इनकी अकलें इन्हें इस बात का हुक्म देती हैं या ये हैं ही सरकश लोग या ये कहते हैं कि इसने ये खुद गढ़ लिया है बल्कि ये लोग ईमान नहीं लाते बस चाहिए कि ये इस जैसी कोई एक बात ही ले आए अगर ये सच्चे हैं क्या ये किसी चीज के बगैर पैदा किए गए या ये खुद ही खालिख हैं क्या इन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है बल्कि ये लोग यकीन नहीं रखते किस बात का यकीन कि अल्लाह ही खालिख है अल्लाह ही ने सब कुछ किया है ये तो खुद अपने भी खालिक नहीं जिस इंसान ने खुद अपने आप को नहीं बनाया वो किसी और को क्या बनाएगा क्या इनके पास आपके रब के खजाने हैं या ये इन पर निगरान बनाए गए हैं क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर ये आला में बाला की बातें सुन सकते हो यानी जो वही आ रही है बस चाहिए कि इनका सुनने वाला कोई वाज दलील लाए क्या उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे क्या आप इनसे कोई उजरत मांगते हैं तो ये उस तावान से बोझल है क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हैं क्या ये कोई चाल चलने का इरादा रखते हैं तो जिन्होंने कुफर किया वो खुद ही चाल में आने वाले हैं यानी बुरी चालें अपने चलने वालों की तरफ ही पलटती हैं वला इल्ला है क्या इनका अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है पाक है अल्लाह उन हस्तियों से जिन्हें वो उसका शरीक ठहराते हैं और अगर ये आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो यही कहेंगे ये तो तह बत है बादल हैं बस आप इन्हें छोड़ दीजिए यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को जा मिले जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे जिस दिन इनकी चाल इनके कुछ भी काम न आएगी और न ये मदद किए जाएंगे और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए इससे पहले भी एक अजाब है लेकिन इनके अक्सर इल्म नहीं रखते यानी दुनिया के इम्तिहान और अजाब और तकलीफे आखरत के अजाब से पहले लेकिन अक्सर इल्म नहीं रखते कि ये मुसीबत हम पे क्यों आई इसकी वजह क्या है हदीस में आता है कि मुनाफे जब बीमार होकर सेहतमंद हो जाता है तो उसकी मिसाल ऊंट किसी है वो नहीं जानता कि उसे क्यों रस्सियों से बांधा गया और क्यों खुला छोड़ दिया गया तो मुनाफे को भी नहीं पता चलता कि उस पर कोई मुसीबत आजमाइश क्यों आई और क्यों चली गई वो उसको नॉर्मल लेता है बस बिर हुक्म रबिक और आप अपने रब का हुक्म आने तक सबर कीजिए बेशक आप हमारी निगाहों के सामने हैं और अपने रब की हम के साथ तस्बी कीजिए जब आप खड़े होते हैं और रात को और सितारों के पलटने के बाद भी उसकी तस्बी कीजिए वह इतबार नजूम यानी सितारे जब गरूब हो जाए सितारे जब पलट जाए और ये कौन सा वक्त है वजह के वक्त यानी दिन आ रहा होता है और रात जा रही होती है क्योंकि सुबह की नमाज का वक्त दर हकीकत सितारों के पीठ फेर कर चले जाने का वक्त है और यानी सितारों के पलट जाने के बाद भी तस्वीर कीजिए इससे बाज़ुल्लम ने मुराद फजर की सुन्नते ली है हजरत आयशा कहती है की मैंने रसूल रसुल्लाह सलम को किसी नफल की अदायगी के लिए सुन्नत को नफल भी कहते हैं क्योंकि नफली इबादत एक फर्ज होता है एक नफल होता है फिर उसकी कैटेगरीज की हुई है वाजिब है सुन्नत है वो कहती है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लाम को किसी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं देखा जितनी जल्दी आप नवाज फजर से पहले दो रकतों के लिए किया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया जो शख्स दो ठंडी नवाजे फजर और असर पड़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा इन इन सुन्नतों की बड़ी अहमियत है और आपने ये सुन्नते कभी सफर में भी नहीं छोड़ी थी सूरत नजम ब والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الله بن ماسور سيربعيت ابوكيتين كي في سورة نازل السجدات وسورة النجم هي. ये पहली सूरत है जो कुफार ने सुनी और सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के साथ सजदा किया सजद तिलावत मुस्तहब है हजरत बिन साबिक कहते हैं, मैंने इस सूरत की तिलावत आपके सामने की आपने इसमें सजदा न किया इसका मतलब ये हुआ कि सजदा करना मुस्तहब है फर्ज नहीं है अगर कभी छोड़ भी दिया जाए तो गुनाह नहीं है लेकिन करना पसंदीदा है हर सजदे से एक दर्जा ही बढ़ता है ना तो इसलिए हरीस रहा करें ये नहीं कि आज अगर आपको पता चल गया कि मुस्ताहब है तो कहें चलो आप छुट्टी हुई अब तो कभी करना ही नहीं लोगों को पता नहीं ये सजदा क्यों मुश्किल लगता है व नजमी कसम है सितारे की जब वो गिरता है तुम्हारा साथी न राह भूला है और ना वो बहका है सितारे के गिरने से मुराद उसका गायब होना है यानी सूरत का असल मौजू क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करना इसलिए शुरू में ही बताया गया कि यहाँ पर यानी जब सितारे गरूब हुए सितारे चले गए तो सुबह तुलूह हुई यानी दौरे जाहिलियत जा रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर बनकर आ रहे हैं और इसमें खास तौर पर सितारे की बात इसलिए भी की गई कि अरब लोग सितारों से राह पाते थे और सितारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में भी एक मुसलत है सितारे सफर के लिए अल्लाह ने जो उनका रास्ता मुकर किया वो उससे एक इंच भी आगे पीछे नहीं हटते और न भटकते हैं सितारे नहीं भटकते इसी तरह ये अगली आयत में आता है ना कि आप ना रास्ता नास्ता भटके यानी आप भी अपने मिशन पर बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हैं और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कहा गया कि ये तुम्हारे साथ रहने वाले हैं तुम्हें इनके अखलाक का पता है उनकी सदाकत का पता है अमानत का पता है इन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया कभी झूठ नहीं बोला तो आज तुम्हारे सामने दीन का पैगाम पहुँचाते हुए ये क्यूँ झूठ बोलेंगे वमा अनिल हवा इल्ला युहा और ना वो अपनी ख्वाहिश से बोलता है ये तो एक वही है जो उतारी जाती है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी और ख्वाहिश की बातें नहीं करते बल्कि ये वही के जरिए आई हुई सच्ची खबरें तो वे पहुँचाते हैं जिनमें कोई शक नहीं याद रखिये सुन्नत भी कुरान की तरह नाजिल होती थी हसान बिन अतिया कहते हैं की जबरीलम नबी वसल्लम के पास सुन्नत लेकर उतरते थे और जिस तरह आपको कुरान सिखाते इसी तरह सुन्नत की भी तालीम देते और फिर आपने अपने पार्ट पर क्या किया वो यो किताब वल किताब आपने भी लोगों को किताब की तालीम दी और हिकमत की तालीम दी आपने भी फिर आगे उसको सिखाया और अगर आप सुन्नत का या हदीस का इनकार करते हैं तो आप खुद सोचिए कि फिर आपने जो हिकमत सिखाई वो किधर गई वो क्या थी इसका मतलब दीन का कुछ हिस्सा लॉस्ट हो गया उसकी जरूरत नहीं हमें नहीं उसे महफूज किया गया हदीस की शक्ल में तो इसलिए यह कहना कि बस जो कुरान में है वो मेरे लिए काफी है वो काफी नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजों का कुरान मजीद में हुक्म तो दिया गया तफसील नहीं बताई गई उन पर अमल का तरीका नहीं बताया गया और अगर लोगों को छोड़ दिया जाए कि हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करे तो फिर दीन की कोई एक शक्ल नजर नहीं आएगी अल्लाह शुलवा उसे बहुत जबरदस्त कु्वत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो बड़ा जोर आवर है फिर वो सीधा हो गया यानी ये जबरी है की हैं कि वो बहुत कुत वाले हैं और बहुत जोर आवर है और जू का एक माना खूबसूरत भी किया गया है कि बहुत खूबसूरत है हुस्न व जमाल वाले हैं और कु्वत इतनी कि उनके छे सौ पर है और जो खोले तो आसमान चुप जाए वह हुआ बिल उफुकिल आला और वो आसमान के बुलंद किनारे पर था फिर वो करीब हुआ तो वो उतर आया तो वो दो कमानों के बकदर करीब हुआ बल्कि इससे भी ज्यादा करीब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील सलाम को आसमान पर देखा और दो बार आपने जिब्रील को असल सूरत में देखा था और यहाँ उनमें से एक मौके की तरफ इशारा है और दूसरा मौका मेहराज का था तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की जो उसने वही की दिल ने झूठ नहीं कहा जो कुछ उसने देखा क्या फिर तुम उससे झगड़ते हो इस पर जो वो देखता है यानी फरिश्ते को देखता है इस पर तुम उससे झगड़ा करते हो क्योंकि में जब आपने सलाम को असर चकल में देखा और आपने लोगों को बताया तो लोग झगड़ा करने लगे हालांकि आपने उसे एक और मरतबा भी देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास यानी लालतुल मेराज में और वहां पर कैसे देखा नबी फरमाते हैं मैंने सिदरतल मनता के पास जिब्रील को देखा उनके छे सौ पर थे जिनसे मोती हीरे और याकूत झड़ रहे थे इतने खूबसूरत पर सब्ज रंग के पर क्या हसीन मंजर यानी एक तो एक रिस्क तकसीम्ला ने अपने जिम्मे ली हुई है और मरने के बाद पैदा भी करेगा और फिर सितारे का रब वो क्यों अरब कबाइल इस शराह को पूछते थे इस ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के नाम औरतों के नामों जैसे रखते हैं ये कुफार मक्का के अक़ायद के बारे में दूसरा सूरत अलबक की आखिरी दो आयात क्या फिर तुम उससे झगड़ते हो इस पर जो वो देखता है यानी फरिश्ते को देखता है इस पर तुम उससे झगड़ा करते हो लैलतुल लाज में जब आपने सलाम को असल चकल में देखा और आपने आके लोगों को बताया तो लोग झगड़ा करने लगे वो रआहु नजलतन उखरा इन सिद्रतुल मुंतहा हालांकि आपने उसे एक और मरतबा भी देखा है मुंतहा के पास यानी ललित में बहुत जबरदस्त कु्वत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो बड़ा जोर आवर है फिर वो सीधा हो गया यानी ये जबरी है की वो वमा अनिल हवा इन इल्ला वायतु अनिल्ला और ना वो अपनी ख्वाहिश से बोलता है ये तो एक वही है जो उतारी जाती है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी और ख्वाहिश की बातें नहीं करते बल्कि ये वही के जरिए आई हुई सच्ची खबरें तुम्हे तो पहुँचाते हैं जिनमें कोई शक नहीं याद रखिये सुन्नत भी कुरान की तरह नाजिल होती थी हसान बिन अतिया कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु जबरी के पास सुन्नत लेकर उतरते थे और जिस तरह आपको कुरान सिखाते इसी तरह सुन्नत की भी तालीम देते और फिर आपने अपने पार्ट पर क्या किया वहअम किताब विकम आपने भी लोगो को किताब की तालीम दी और हमत की तालीम दी आपने भी फिर आगे उसको सिखाया और अगर आप सुन्नत का या हदीस का इनकार करते हैं तो आप खुद सोचिए कि फिर आपने जो हिकमत सिखाई वो किधर गई वो क्या थी इसका मतलब दीन का कुछ हिस्सा लॉस्ट हो गया उसकी जरूरत नहीं हमें नहीं उसे महफूज किया गया हदीस की शक्ल में तो इसलिए ये कहना कि बस जो कुरान में है वो मेरे लिए काफी है वो काफी नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजों का कुरानी मजीद में हुक्म तो दिया गया तफसील नहीं बताई गई उन पर अमल का तरीका नहीं बताया गया और अगर लोगों को छोड़ दिया जाए कि हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करे तो फिर दीन की कोई एक शक्ल नजर नहीं आएगी अल्लाह शदीदुल खुबा फा उसे बहुत जबरदस्त कुत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो बड़ा जोर आवर है फिर वो सीधा हो गया यानी ये जबरीलम की सिफात है कि वो बहुत कुत वाले हैं और बहुत जोर आवर है और जू मर्रा का एक माना खूबसूरत भी किया गया है कि बहुत खूबसूरत हैं हुसन जमाल वाले हैं और कु्वत इतनी कि उनके छह सौ पर हैं और जो खोले तो आसमान चुप जाए वह हुआ बिल उफ़ोक़िल आला और वो आसमान के बुलंद किनारे पर था फिर वो करीब हुआ तो वो उतर आया तो वो दो कमानों के बकदर करीब हुआ बल्कि इससे भी ज्यादा करीब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने जिब्रील सलाम को आसमान पर देखा और दो बार आपने जिब्रील को असल सूरत में देखा था और यहाँ उनमें से एक मौके की तरफ इशारा है और दूसरा मौका मेहराज का था तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की जो उसने वही की दिल ने झूठ नहीं कहा जो कुछ उसने देखा क्या फिर तुम उससे झगड़ते हो इस पर जो वो देखता है यानी फरिश्ते को देखता है इस पर तुम उससे झगड़ा करते हो क्योंकि में में जब आपने आपने को को देखा और आपने लोगों को बताया तो लोग झगड़ा करने लगे हालांकि आपने उसे एक और मरतबा भी देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास यानी लालतुल मेराज में और वहां पर कैसे देखा नबी फरमाते हैं मैंने सिद्रतुल मुंतहा के पास जिब्रील को देखा उनके छे सौ पर थे जिनसे मोती हीरे और याकूत झड़ रहे थे इतने खूबसूरत पर है सब्ज रंग के पर क्या हसीन मंजर होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि सलाम को देखा गोया के वो रेशमी लिबास पहने हुए थे उनके पाओ मोतियों की तरह थे जैसे सब्जे पर बारिश के कतरे होते हैं और शदरतहा बेरी का एक दरख्त है वो भी क्या खुशकिस्मत दरख्त है जिसको वहाँ उगने का मौका मिला जो छठे या सातवें आसमान पर भी कहा जाता है कि छठे आसमान में उसकी जड़ें और सातवें पर वो फैला हुआ है उससे ऊपर कोई फरिश्ता आगे नहीं जा सकता दैट्स द लिमिट लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे आगे ले जाया गया जन्नतुल इज यक्ष इंदा जन्नतवा उसी के करीब जन्नतुल है मावा का मतलब है ठिकाना मस्कन कहा जाता है कि आदम अलैहि सलाम यही पड़ते इस जन्नत में और ये भी कहते हैं कि यहाँ नेक रूहें आके जमा होती हैं जन्नतुल जन्नतुलमा में और मुंतहा कैसा दरख्त था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका मुशाहिदा किया तो फरमाया कि सोने के परवाने उसके गिर्द मंडला रहे थे फरिश्तों का अक्स उस पर पड़ रहा था और रब की तजलियात का मज़हर भी वही था यानी आपने रब को नहीं देखा उस दरख्त पर जो तजलियात थी वही देखी इस मकाम पर आपको तीन चीजों से नवाजा गया पांच वक्त की नमाजें कहा से आई है आपके लिए और अगर आप पढ़ेंगे उनको अच्छे तरीके से तो दर्जात कितने बुलंद होंगे नमाजों को मामूली चीज ना समझा करे हमारी जिंदगी में सबसे अहम फरीजा जिसकी सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज है अगर नमाज ही दुरुस्त नहीं तो बाकी चीजों का फायदा नहीं दूसरा सूरत बकरा की आखिरी दो आयात और तीसरे उस मुसलमान की बख्शिश का वादा जो शिर की आलूगी से पाक हो तो इसलिए तो अपना जायजा लेते रहना चाहिए कभी अपने बारे में बेखौफ ना हो

तब तो ये एक बड़ी ना इंसाफी की तकसीम है तुम ये तो बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी ये लोग तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और उसकी जो उनकी नफ्स ख्वाहिश करते हैं हालांकि इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है यानी ये उनके बारे में समझते हैं कि वो इनकी सिफारिश करेंगे इन्हें फायदा पहुंचाएंगे इसकी कोई दलील ही नहीं इनके पास ये तो महज नाम है जो उन्होंने रख लिया अंदर कोई हकीकत नहीं जीरो है कुछ उनके अंदर ताकत ही नहीं अमलिल इंसानी तमन्ना वलिल्लाहिल आखिरत वल उला क्या इंसान के लिए वही है जो वो तमन्ना करे वो सब मिल जाना चाहिए जो हमारी ख्वाहिश हो नहीं बस आखिरत और पहली जिंदगी अल्लाह ही के लिए है असल इख्तियार और असल इक्तदार तो अल्लाह का है एक और माना यह भी किया गया क्या इंसान को यह हक है कि जिसको चाहे मबूद बना ले नहीं सब कुछ तो अल्लाह का है अव्वल अव्वलो आखिर तो फिर हक भी उसी का है कि कि उसकी इबादत की की जाए और यह मतलब भी लिया जा सकता है कि क्या इंसान उन मबूदों से अपनी मुरादें पा लेने की जो तमन्ना रखता है वो कभी पूरी हो सकती है नेवर यानी आप पत्थर के बुध से कोई तमन्ना रखते पूरी होगी कभी नहीं होगी अम ले, ले इंसान माँ तमन्ना यानी जो हमने सोचा ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना इंसानों से इनका भी हाल यही है दूसरे बेचारे शख्स ने आपको कुछ नहीं कहा होता, आप खुद ही उसके बारे में सोच बैठते। क्या वो मेरे गया ना कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको बताएं कि मैं तुमसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करती क्यों एक शख्स आया उसने कहा मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ तो आपने पूछा कि क्या तुमने उसको बताया का नहीं कर जाओ उसको बताओ क्योंकि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है किसी को रिस्पेक्ट देता है किसी के साथ खैर का मामला करता है तो फिर क्या उससे तो नहीं रखता कि जवाब भी मिले एक इंसान की नफसाती कमजोरी है ना अंदर यानी ना चाहते हुए भी इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने कुछ कहा तो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिले अब अगर बंदे को पता ही नहीं कि आपके दिल में क्या है तो वो कैसे एक्नोलेज करे तो फिर आप कहते हैं हाँ दीन वाले तो होते ही ऐसे ये तो बड़े कोल्ड लोग होते हैं और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सफारिश कुछ भी काम न आएगी मगर इसके बाद कि जिसके लिए अल्लाह चाहे और इजाजत दे दे और जिसे वो पसंद करे यानी सिफारिश की इजाजत देने का और सफारिश कबूल करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है ये नहीं कि हम एक्सपेक्टेशन रख ले किसी से ये बुजुर्ग या फला मेरी सिफारिश कर देगा और मैं निकल जाऊंगा नहीं इख्तियार अल्लाह के पास है वो इजाजत देगा तो वो करेगा और वो कर चुका लेकिन कबूल करे अल्लाह तो फिर ही आगे छुटकारा होगा वरना किसी की सिफारिश कर देने से भी बात नहीं बनेगी इन तस्मत बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के नाम औरतों के नामों जैसे रखते हैं ये कुफार मक्का के अक़ायद के बारे में बात की जा रही है बिही मिन इल्म हालांकि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं फरिश् की जेंडर क्या है वो महज गुमान की पैरवी करते हैं बस उनका ख्याल है वो झूठी एक्सपेक्टेशन और और बेशक गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आता मिन ये हर मामले में है आप किसी के बारे में कोई बदगुमानी कर बैठे और उसको पता भी ना हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कई दफा ऐसे नहीं होता हम किसी चीज को कुछ समझ रहे होता और वो होती कुछ और है। बात कोई और निकलती है तो इसलिए अपने फैसलों की बुनियाद गुमान पर ना रखे हकीकत पर रखे बस आप उससे एराज कीजिए जो हमारे मुंह मोड़े और महज दुनिया की जिंदगी चाहे अल्लाह अकबर यानी जिस शख्स को कुरान से कोई दिलचस्पी नहीं अल्लाह की बात से कोई दिलचस्पी नहीं और वो जहालत बरतता है आपसे और दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है तो फिर आप क्या करें उसके साथ एराज का मामला करें पीछे ना पड़े उसके ठीक है आरिद अमन तवल्ला आप बताना चाहते नहीं सुनना चाहता लकुम दीन हुकुम वली अदीन और जिक्र से कुरान भी है यानी जो कुरान से मुंह मोड़ता है नसीहत से मुंह मोड़ता है अल्लाह की बात ही नहीं सुनना चाहता छोड़ दे फिर उसको क्या कर सकते हैं ज़ालिका मिनल इल्म इन न रब का हुआ आलमीली ही वह हुआ तदा यह उनके इल्म की इंतहा है बेशक आपका रब उसको खूब जानता है जो उसकी राह से भटक गया और वो उसे भी खूब जानता है जो हिदायत पा गया सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करना और उसके लिए मेहनत करना आखरत में काम ना आएगा यानी ये लोग जो सिर्फ दुनिया में खोए हुए है वो दुनिया के फायदों से आगे बढ़कर कोई चीज न जानते हैं न सोचते हैं और न उसके लिए कुछ करते हैं लिहाजा उनपे आप जितनी भी मेहनत करें वो बेकार हो जाती है वो लाही समावाद और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में ताकि वो उन लोगों को जिन्होंने बुरे अमाल किए सजा दे और जिन लोगों ने अच्छे अमल किए उनको बेहतरीन बदला दे अल्लादीना कबालाशम वो लोग जो कबीरा गुनाहो और बेहयाई के कामों से इज्तनाब करते हैं सिवाय सगीरा गुनाहों के, बेशक आपका करब बसी मख्त वाला है तो वो सगीरा माफ कर देगा वो तुम्हें खूब जानता है जब उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेटों में अभी जनीन ही थे फीटस थे बस तुम अपने नफ्सों को पाक न ठहराओ वो खूब जानता है किसने तकवा अख्तियार किया तो लमम से मुराद सगीरा गुना है लमम अरबी में किसी चीज की छोटी मकदार को कहते हैं थोड़ी सी यानी आदमी किसी बड़े गुनाह की तरफ जा रहा हो और रुक जाए या किसी गुनाह में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ ही था कि बाज आ गया या ख्याल और ख्वाहिश की थी इरादा किया लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किया और कबीरा गुनाह वो होता है जिसे किताब सुन्नत की किसी नस ने हराम करार दिया नस् ने या अल्लाह और उसके रसूल ने उसके लिए दुनिया में कोई सजा मुकर की हो या उस पर आखिरत में अजाब की कोई बईद सुनाई गई हो या उसके मुरतकब पर कोई लानत की गई हो या उसके मुतकीबीन पर नजूल अजाब की खबर दी गई ये कबीरा होते हैं क्या आपने उसको देखा जो मुंह मोड़ गया और उसने थोड़ा सा दिया और फिर रुक गया क्या उसके पास गैब है कि वो देख रहा है क्या वो इस बात की खबर नहीं दिया गया जो मूसा के सहीफों में है और इब्राहिम के सहीफों में जिसने खूब वादा वफा किया ये के कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा और यह के इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की तो जिससे पता चलता है कि हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है अपने काम की गुनाह की जिम्मेदारी दूसरे पे नहीं डाली जा सकती और दूसरा उसको ले भी नहीं सकता कि किसी की जगह कोई और सजा पाए अहम बात यह है कि जिस तरह कोई किसी दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं इसी तरह उसे आखिरत में अजर भी उन चीजों का मिलेगा जिनमें उसकी अपनी मेहनत होगी किसी और का काम नहीं होगा वह अन यू युरा और यह कि उसकी कोशिशरीब करीब देखी जाएगी क्यामत के दिन इंसानों की मेहनत और कोशिश देखी जाएगी फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और ये के आपके रब ही की तरफ आखिर पहुंचना है दिन सामने आ जाएगा और उस पर उसे पूरी जजा मिलेगी और यह कि उसी ने हसाया और उसी ने रुलाया और ये की उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी दी और ये की उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक नुतफे से जब वो रहम में टिपकाया जाता है और यह कि दूसरी पैदाश भी उसी के जिम्मा है और यह कि वही है जिसने मालदार किया और खजाने वाला बनाया और यह कि वही शहरा सितारे का रब है यानी एक एक तो एक रिस्क की तकसीम अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हुई है और मरने के बाद पैदा भी करेगा और फिर सितारे का रब वो क्यों अरब कबाइल इस शेरा को पूछते थे इसलिए बताया नहीं ये रब नहीं है जिसने इसको बनाया है वो असल रब है और यह वही है जिसने आधे उला को हला किया और समूद को भी फिर किसी को बाकी न छोड़ा और इनसे पहले कौम नूह को बेशक वो बहुत जालिम और बहुत सरकश थे और उल्टी हुई बस्ती को गिरा मारा कौम लूत की, तो उसे ढांप लिया जिसने ढांप लिया बस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पर तुम शक करोगे ये रसूल पहले खबरदार करने वालों में से खबरदार करने वाला है नजदीक आने वाली नजदीक आ गई अल्लाह के सिवा उसे कोई हटाने वाला नहीं क्या फिर तुम इस बात पर ताजुब करते हो और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो और तुम गफलत बरतते हो बस जुदूल बस अल्लाह को सजदा करो और उसी की इबादत करो यानी नमाज की बजाय खाली सजदे का हुक्म दिया क्योंकि नमाज का मकज है एक सेंट्रल पॉइंट है यानी नमाज में खुशू चाहिए ना और सबसे ज्यादा खुशू कहाँ होता है जब इंसान पूरी तरह दुनिया से कट जाता और जमीन पर सर रख देता है سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ये भी उन सूरतों में से है जिन्हें रसुल्लासम नमाज ईद में पढ़ा करते थे बिस्मिल्लाम राहीम इक तरब सातवन शक्ल कमर क्यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया यानि जो चीज आ रही हो वो करीबी होती है चाहे चौदह सो साल गुजर गए इस आयत को नाजिल हुए लेकिन आखरत के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी सुबह या शाम का कुछ हिस्सा है और चांद शक हो गया ये भी क्यामत की निशानियों में से है यानी ये वो मुआवजा है जो अहले मक्का के मुतालबे पर दिखाया गया चांद के दो टुकड़े हुए हती के लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा एक टुकड़ा पहाड़ की उस तरफ गया और एक टुकड़ा इस तरफ और ये मुआवजा नबी सल्लाम के जमाने में हुआ और सही सनत से इसकी ओथेंटिसिटी पता चलती है वह कद व तबाउ अहुआ अहम वो कुल्लु अमरन मुस्तिर और उन्होंने झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और हर काम का एक वक्त मुक्र है वो कुल्लू अमरिन मुस्तकिर अच्छा काम हो या बुरा हर एक चीज का एक वक्त एक नतीजा निकलने का एक वक्त मुकर्र है अगर दुनिया में ना भी नतीजा सामने आए तो आगे तो आएगा ही आएगा और यकीनन इनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिनमें काफी डांट है कामिल हमत पर मबनी बात है फिर भी डरावे काम न आए बस आप इनसे मुंह फेर लीजिए जिस दिन पुकारने वाला एक नागवार चीज की तरफ पुकारेगा उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी ये खबरों से यूं निकलेंगे गोया के ये बिखरी हुई टिड्डियां हों, ये खबर से निकलकर कर हशर में जाने का मंजर है तेजी के साथ भागते दौड़ते निकल के जा रहे होंगे उछलते उछलते पुकारने वाले की तरफ सर उठा दौड़ते होंगे काफिर कहेंगे ये दिन बड़ा सख्त है इनसे पहले कौम नूह ने भी झुटलाया था उन्होंने हमारे बंदे को झुटला दिया और कहने लगे ये मजनून है और वो झड़क दिया गया तो उसने अपने रब को पुकारा अन्नी मगलूब बेशक मैं मगलूब हो गया हूँ बस तू ही इनसे बदला ले फतहना फता अब समा इबिमा इम हमिर तो हमने आसमान के दरवाजे खूब बरसने वाले पानी के साथ खोल दिए कहा जाता है कि चालीस दिन तक मुसलसल खूब जोरदार बारिश होती रही और हमने जमीन से चश्मों को जारी कर दिया तो ऊपर और नीचे का पानी एक ऐसे मकाम पे मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था और हमने उसे तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी निगाहों के सामने चल रही थी ये उस शख्स का बदला था जिसका इनकार किया गया और बेशक हमने उसको एक निशानी बनाकर छोड़ा तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था और यकीनन हमने को के लिए आसान कर दिया तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला बताइए अल्लाह करे हम सभी हों और के बाद क्या करें फिर मुस्तकिल तौर पर कोर्स में दाखिला लेकर तालीमान या तर्ज कुरान का शाम में कोर्स करें ताकि हम सीख जाए मरने से पहले पहले इस किताब को अपने सीने में डाल ले इसी की रोशनी होनी है खबर में जितना कुरान के साथ ताल्लुक होगा और इसमें आपको पता है कि तजवीज भी ठीक कराई जाती है सही पढ़ना सिखाया जाता है तर्जमा सिखाया जाता है तफसीर सिखाई जाती है अमल की बातें बताई जाती हैं तो कुरान के मतलब और मानी को समझना उससे इबरत और नसीहत हासिल करना उसे जबानी याद करना ये अल्लाह ने सब कुछ आसान कर दिया ये आसान है मुश्किल नहीं है अगर कोई आपको पहले का स्टूडेंट मिलने नहीं बड़ा मुश्किल है तो उसकी बात का बिल्कुल यकीन ना करें कुछ मुश्किल नहीं सब याद हो जाता है सबको हो जाता है ये दुनिया की वाद किताब है जिसे लफ्स लफ्स याद कर लिया जाता है कोई और किताब है ऐसी यही इसकी दलील है तो इस किताब को याद करना और उसे याद रखना किसी छोटी सी किताब को मुश्किल होता है इसको मुश्किल नहीं होता ठीक है मेहनत तो करनी पड़ती है मेहनत के बगैर कौन सी चीज हाथ आती है हजरत मरियम सलाम को अल्लाह ते वत से पहले दरख्त हिलाकर खजूर का बता दो तो खजूर का दरख्त इतनी आसानी से हिलता और खजूरें गिराने का हुक्म दिया था तो ये मेहनत और मशक्कत तो हमारे साथ लगा दी गई है कुछ भी दुनिया में अचीव करना दीन या दुनिया का मेहनत के बगैर नहीं होता लिहाजा सुस्ती छोड़ दें कंफर्ट जोन से बाहर निकले गा अजाबी वन उधुर आज ने भी जुटला दिया तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था बेशक हमने उन पर मुसलसल चलने वाली एक तुम दो तेज हवा एक नहुसत वाले दिन में भेजी कहते हैं कि बुध की शाम थी तेज यख ठंडी हवा मुसलसल सात रातें आठ दिन तक चलती रही और ये हवा घरों और किलों में बंद इंसानों को भी वहां से उठाती जोर से जमीन पे पटकती उनके सर धड़ से अलग हो जाते बाज लोगों ने इससे बुद्ध के दिन कोई मनहूस कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि बुध का दिन मनहूस है आपको तो पूरा हफ्ता फिर मनहूस बताना पड़ेगा क्यूँकी वो तो, तो पूरा हफ्ता चलती रही थी यानी वो हवा पूरा हफ्ता चली थी सिर्फ बुद्ध के दिन नहीं चली थी और मुस्तमिर का मतलब है मुसलसल यानी ये अजाब उस वक्त तक जारी रहा जब तक सब हलाक नहीं हुए वो लोगों को उठा उठा कर पटक रही थी गोया कि वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हो तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था वो नली फहल में मुद्दक और यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला समूद ने भी डराने वालों को झुटला दिया बस वो कहने लगे एक अकेला आदमी जो हम ही में से है क्या हम उसकी पैर भी करें उसके पीछे तो ज्यादा लोग भी नहीं बेशक तब तो हम यकीन गुमराही और जुनून में होंगे क्या ये नसीहत हमारे दरमियान में से उसी पर नाजिल की गई है बल्कि वो तो सख्त झूठा बहुत इतराने वाला है ये सब कल ही जान लेंगे कि कौन सख झूठा बहुत इतराने वाला है, है उन्होंने पैगम्बर की बात को झूठ समझा इन मुर्सल नाकतिफ इतना बेशक हम इनकी आजमाइश के लिए उठनी भेजने वाले हैं बस इनका इंतजार करो और खूब सब्र करो और इन्हें आगाह कर दो कि बेशक पानी इनके दरमियान तकसीम शुदा है हर एक पानी की बारी पर हाजिर होगा यानी ऊटनी और कौम के दरमियान पानी पीने की बारियां होगी जब कौम होगी तो ऊटनी नहीं आएगी जब ऊँटनी आएगी तो कौम नहीं आएगी एक दिन कौम के लिए और एक दिन ऊँटनी के लिए फना दऊ फिर फता अपने साथी को पुकारा तो उसने उस को पकड़ा और उसकी काट डाली तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था कहा जाता था और कौम ने उसको आमादा किया कि तुम आगे बढ़ो इसीलिए फना दऊ सब शामिल हो गए उसमें क्योंकि सब ने पुकारा था सभी चाहते थे कि उस ऊंटनी को खत्म कर दिया जाए तो उसने तलवार पकड़ी और ऊंटने की काटी पीछे से पाव के ऊपर से जगह जो पिंड लिया खून निकल गया और फिर उसे जबा भी कर दिया तो उसने ये जसारत की थी ता का मतलब है जसारत की बेशक हमने उन पर एक ही चिंगाड़ भेजी तो वो बाढ़ लगाने वाले की रोंदी हुई बाढ़ की तरह हो गए कचरा और यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला गाँव में लूत ने भी डराने वालों को जुट लाया था बेशक हमने उन पर पत्थरों वाली आंधी भेजी सिवाय सिवाए के घर वालों के हमने उन्हें सहरी के वक्त निजात दी जो शुक्र करे हम उसे अपने पास से बतौर इनाम इसी तरह बदला देते हैं और यकीनन उसने उन्हें हमारी पकड़ से डराया था तो उन्होंने डराने में शक किया यानी अजाब आने से पहले उन्हें खबरदार किया गया था लेकिन उन्होंने समझा कि ऐसी बात है और माना नहीं लिहाजा वो हलाक हो गए और यकीन उन्होंने उसे उसके मेहमानों के बारे में फिसलाना चाह तो हमने उनकी आंखें मिटा दी तो चखो मेरा अजाब और मेरा डराना यानी जब लूत साम की कौम को मालूम हुआ कि कुछ नौजवान आए हैं लूत के यहाँ अल्लाम तो उन्होंने मुतालबा किया कि इन मेहमानों को हमारे हवाले कर दें ताकि हम जो चाहें करें इनके साथ कहते हैं कि फरिश्ते जुबराइल और मिकाइल और इसराफील असलाम इस थे लेकिन जब वो पहुंचे तो फरिश्तों की तरफ हाथ बढ़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ कि जुबरील ने अपने पर का सिर्फ एक हिस्सा मारा जिससे उनकी आंखों के डेले बाहर निकल आए आंखों की बसारत चली गई और आम अजाब से पहले इनको खास अजाब दिया गया उन लोगों को जो खास बदनीयती के साथ सलाम के घर में आ गए थे और फिर सुबह वो अजाब आया जिसने पूरी कौम को तबाह कर दिया क्योंकि उन लोगों की हमदर्दियां मुजरिमों के साथ थी देखिये फाज हम जुल्म खत्म नहीं कर सकते लेकिन जालिम का साथ कभी ना दे अच्छे कहां पुटता है हमेशा इस मामले में मुहतात रहे और एक मुस्तकिल अजाब ने सुबह सवेरे उन्हें आ लिया तो मेरे अजाब और मेरे डरावे का मजा चोर को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो क्या कोई है जो हासिल करे? के सूरत में बार बार जिक्र करने का मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ की लिहाजा शुक्र अदा करो और इसको सीख लो और बिलाशुबा खबरदार करने वाले आले फिर के पास आए थे उन्होंने हमारी तमाम निशानियाँ जुट दी तो हमने उनको पकड़ लिया बहुत जबरदस्त इकतेदार वाले की तरह पकड़ना क्या तुम्हारे को फार इन लोगों से बेहतर है या अगली किताबों में तुम्हारे लिए निजात का वादा किया गया है। या ये कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात है सयु जम उल जम उलू नदर अंकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और ये पीट फेर कर भाग जाएंगे बल्कि क्यामत की घड़ी उनके वादे का वक्त है और क्यामत बहुत सख्त और बहुत कड़वी है और ये जमात जो पीठ फेर कर भाग जाएगी इससे मुराद गुफार और वाकई बदर में जब शिकस्त हुई थी ने, तो ये फेर के भागे थे बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और दीवानगी में हैं, जिस दिन वो अपने चेहरों के बल आग में घसीटे जाएंगे चखो दो के छूने का मजा शकर ये जहन्नम का एक नाम है इन्ना कुल्लाश इन खलकना बी कदर बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है और हमारा हुक्म निगाह झपकने की मानन सिर्फ एक ही बार होता है बस। बसना अशियार और यकीनन हमने तुम जैसे कई ग्रहों को हलाक कर दिया तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला वो कुल्लू शईन फालू हूफ जबर वह कुल्लू शगीर व कबीर और उन्होंने जो भी अमल किए वो सब सहीफों में दर्ज हैं और हर छोटा और बड़ा अमल लिखा हुआ है फी वनहर, फी नहर बेशक मुत्तकी लोग बागात और नहरों में होंगे इक्तदार वाले बादशाह के करीब मुअज्जज मजलिस में होंगे तो याद रखिये इन आयतों में जो बात बताएगी एक तो ये कि मखलूक के सारे अहमाल अकवाल अफाल लिखे हुए हैं छोटे हों या बड़े अच्छे हों या बुरे और फिर यह कि उनका हिसाब होगा और जिनके अंदर तकबा होगा वो बागों और नहरों में जाएंगे एंजॉय करेंगे कहा मक आज मोज मजलिस में मुज्ज बादशाह के पास इकतेदार वाले बादशाह यानी अल्लाह तला का कुर्ब पाएंगे अजर ताशि ने दुनिया के बदले अल्लाह के पास घर की दुआ की थी रब फिल जन्ना और अल्लाह तला की यह सिफत जो मलिक है मलिक मलिक से है और इसमें मुबालगा है और मुखदिर इक्तदार वाला यानी बहुत ज्यादा पावर वाला अब देखिए लोग दुनिया के बादशाहों की मजलिस में जाने को बड़ा इज्जत का सबब समझते हैं और उनके पड़ोस में रहने के ख्वाहिशमंद होते हैं और जितना ज्यादा कोई पावरफुल बादशाह हो उतनी ही उसके कुर्बी ज्यादा ख्वाहिश होती है उस तक मैं किसी तरह रसाई हासिल कर तो यहां आप देखिए तो बादशाहों का बादशाह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे इकतदार का मालिक है और हमेशा के लिए मालिक है तो उसकी इज्जत और शान और शौकत का कौन अंदाजा कर सकता है ये बहुत बड़ा रिवार्ड है जो बताया जा रहा है मुत्तकीन के लिए जन्नत वगैरह तो होगी लेकिन रब का कुर्ब भी नसीब होगा जी ये अभी हम लोगों ने सूरतें कवर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आयतों में देख रहे हैं अल्लाह क्योंकि जैसे जैसे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एंड और ये जो सूरतें मक्खी हैं और मदनी हैं लेकिन उनका एक पावरफुल अंदाज है नोट किया आप लोगों ने ये बात सूर कमर अभी हम सूर कमर की बात बाद में करते हैं अभी आप जल्दी से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं दो तीन मिनट में इन शी फिर ब्रेक देखिए तो फिर बाद में बाकी काम बात करेंगे सूर्य जारियात से हमने स्टार्ट किया था ना सूर्य नंबर फिफ्टी वन आया नंबर थर्टी वन से जूस नंबर ट्वेंटी सेवन सुबह अल्लाह इसमें आप अपने मुसहफ में ही देखिएगा ठीक है आया नंबर फिफ्टी फाइव जीरो इसमें आपने बात नोट की है सुबहान अल्लाह की अल्लाह सुबहान तला अल्ला हमसे क्या फरमा रहे हैं फफिर रू कि तुम सब भागो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ लगा दो बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से कौन हूँ नज़ीर मुबीन हूँ ठीक है ये तो गई सुबह अल्लाह तो इससे हमें क्या कोई लेसन मिल रहा है क्या करना चाहिए हमें अल्लाह सुबहाना क्या कह रहे हैं अल्लाह सुबहाना तै की तरफ दौड़ लगा दो उसकी चाहत के कामों में उसकी रजा के कामों में जिस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारा रब किन किन बातों से खुश होता है ना और किन किन बातों से नाराज होता है क्या चीज़ कौन सा अमाल जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि उसका कुर्ब का जरिया बनते हैं कौन से अमाल ऐसे हैं जो उसके नाराजगी का जरिया बनते हैं अल्लाह तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी गुना छोड़ने हैं बिल्कुल ठीक है सिस्टर आसमा कह रही हैं क़ुरान मजीद से यस तो अब ये है कि जब तक अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं और इसको पर गौर व नहीं करेंगे हमें कैसे पता पता चलेगी ये बात ठीक है तो ये है कि इस जैसे उस्ताद ने भी इसमें री किया ना कि दौरे क़ुरान तो हो रहा है सुबह अल्लाह ठीक है वो तो हर साल ही होता है रमदान में लेकिन ये सिर्फ़ रमदान को तो रमदान नहीं होना चाहिए इसके बीच वाला जो टाइम है बल्कि आपको पता है ये तो किताब ऐसी है जिससे हमारे रोज रोज का हमारा इसके साथ एक एसोसिएशन होनी चाहिए इस किताब के साथ अल्लाह कोई ना कोई और आपको मैं एक बात बताऊं अल्लाह कि कोई अगर जो कहता है ना कि हाँ जी मैं अपने ओन टाइम में कर लूंगी या फिर मैं अपना खुद से मैनेज कर लूंगी ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जो होते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको पता है जमात पर अल्लाह सुबहाना तला का हाथ होता है सही है ना तो जब तक हम कोई एक क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हम एक ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे अल्लाह तो तब तक हमारे लाइफ में ना डिसिप्लिन आएगा ना ही हम चीजों को कर सकेंगे uh, uh, के कह रही है डू यू है सुबह अल्लाह तो जो लोग तो ऑलरेडी अलहदुल्ला uh, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं कुरान मजीद का हदीस का या कुछ भी है सुबह अल्लाह वो तो अच्छी बात है सबहान अल्लाह लेकिन जो लोग नहीं तो ये ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुबहाना तला देते हैं रमादान में कि एक रवान तर्जमे से हम गुजर जाते हैं लेकिन आपको पता है कि अल्लाह कुरान मजीद में आता है कि ये हक का तिलावती ही करना है हमने तिलावत का हक अदा करना है और तिलावत का हक कैसे अदा होता है कि इसको मायने जान के इसको लफ् बलफ़ समझना फिर इसके बाद अल्फाज के अंदर जाना गौरव फिकर करना तबसीर के साथ फिर उसके बाद जो है ना इसमें जो बात भी हमें समझ आ रही है वो उसके ऊपर फिर अमल करना क्योंकि मेन तो इसका क्रक्स क्या है अमल क्योंकि अगर हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन अगर अमल में वो चीज़ें नहीं आ रही तो फिर तो वो जस्ट इट इज इट इज एन इंफॉर्मेशन ठीक है ना सुबहान ल तो यह है कि हमें लाजमी तौर पर फिक्र करनी चाहिए और हमें किताब से किस तरीके से जुड़ना है तो उसके लिए कोशिश रिक्वायर्ड है फफिर ठीक है सुबह इसके अलावा देखिए आयत नंबर ये कितनी प्यारी आयत है ना प्यारे आए थे आप से क्या कहा जा रहा है अमर है कि तुम नसीहत करो तो बेशक क्या होती है जो नसीहत होती है वो फायदा पहुंचाती है किस ईमान वालों को यानी जो ईमान वाले होते हैं जिनके अंदर सही ईमान होता है ना उन्हीं को ही इस नसीहत से फायदा होता है जिक्रा क्या कुरान मजीद भी तो जिक्र ही है ना अल्लाह सुबहान तला सुबहाना की ये क्या है ये इसको रस्सी कहा गया है कुरान मजीद को जिसका एक सिरा अल्लाह सुबहाना के हाथ में होता है और एक सिरा उस बंदे के हाथ में जो ये पढ़ रहा होता है सुबह अल्लाह आयत नंबर फिफ्टी सिक्सूम जन्ना देखिए इसके अंदर क्या है हमारा पर्पस क्यों भेजा अल्लाह सुबहान तला ने हमको इस दुनिया में और ताकि हम इबादत करें सुबहान्ला उसादा ने भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इबादत क्या होता है तो एक कुछ जल्दी से बता रहे हैं कि व्हाट इज़ इबादत सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म करना नमाज पढ़ लेना रोज़ा रख लेना ज़क़़त दे देना हज कर लेना अगर इस्तात है तो आ, सिर्फ यही चीज़ें इबादत में आती हैं हर वो काम जो अल्लाह सुबहाना ताली की खातिर एक इंसान सिर्फ उसको खुश करने की खातिर करता है वो इबादत होती है ठीक है तो हम जो भी अगर हम जो भी काम करें ना इवन दुनिया का ही कोई काम करें कुछ भी करें लेकिन अपनी नीयत ये इसलिए कर लें कि मैं अल्लाह सुबहान तला की खातिर कर रही हूँ क्यों क्योंकि अल्लाह सुबहाना तला का हुक्म है उसको खुश रखना है मुझे उस, उस वो मेरी प्रायरिटी है होना चाहिए अल्लाह सुबहाना तला ठीक है तो फिर हर जो भी हम काम करें वो इबादत बन जाता है सुबह अल्लाह अल्लाह सुबहान तारीफ़ा आठ में रिस्क की बात, आ, की गई सुबहान्ला रिस्क क्या होता है सिर्फ खाना पीना इज रिस्क सिस्टर आना बिल्कुल ठीक अल्लाह की खातिर किया हुआ काम इखलास के साथ ठीक है ना नो अच्छा तो फिर क्या होता है औलाद इज रिस्क एवरी प्रोविजन इज़ रिस्क जो भी अल्लाह सुबहान तैन हमको नहमतें दी है ना वो सब के सब रिस्क है ठीक है सुबहान्ल सूरत तूर, ये भी मक्की सूरत है बहुत पावरफुल अंदाज है इसका सुबहान अल्लाह शुरू होने का और आपको पता बताए सूरत तूर में आयत नंबर जो सेवन है ना ये कुरान की सख्त आयतों में से एक आयत है इन्ना अदाबा रबिका लवाक़ यानी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की कसम खाकर कर ये बात कही गई है इस आयत, इस आयत आयत के बारे में यह आता है कि उमर रजी अल्लाह सूरत पढ़ते हुए जब इस आयत पर पहुंचे तो बीमार हो गए थे पता आप लोगों को बात तकरीबन दिन बीमार रहे थे लोग परेशान हो गए थे कि क्या बात है आप रजी अल्लाह तुम से पूछा गया तो फिर आप रजी तला ने वजह बताई हुई इस आयत की अब देखिए उनका ईमान और हमारा ईमान हमें इतनी सख्त आयतें गुजरती जाती हैं हमें ना तर्जमा समा आ रहा है ना अगर हमें गौर फिक्र कर रहे हैं ना हम इसको तदब्बर कर रहे हैं तो फिर बस आ, कानों से गुजर रही आवाज़ ना तो जिसको समझ आता है तो फिर उसी के दिल पर ये बात असर कर असर करती है जिसके दिल पर जो बात असर कर जाए फिर वही अमल में आती है चीज़ें वरना लिखी हुई चीज़ें तो कापियों किताबों में रह जाएंगी इधर ही वो साथ में जाएगा जो मेरा और आपके दिल में लिखा होगा जो अल्लाह करे अल्लाह साल हम सबको को कल्ब सलीम फरमा दे आमीन ठीक हो गया ये क्यामत के बारे में आयात ये कितनी प्यारी आयत है ना आयत नंबर ट्वेंटी वन आपने नोट की बात वल्लिन ईमान तबाग, और जो लोग ईमान लाए और उनके औलादों ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो हम उनके औलादों को उन तक पहुंचा देंगे और उनके अमल से हम कुछ भी कम नहीं करेंगे सुबह यानी एक जरिया है या अगर हम भी ईमान पर हुए और हमारे बच्चे भी हमारे जाने के बाद वाइस वर्षा भी हो सकता है तो कोई भी अगर अमल में और ईमान में ऊपर होगा तो अल्लाह सुबहान तला क्या करेंगे नीचे वालों को ऊपर वालों से मिला देंगे चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स विल बी इन जन्ना आमीन अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि वह हम सबको जन्नतफरदौस में इकट्ठा करे और हम सबको अपने अर्श का साया नसीब फरमाए आमीन सराह नजम इसका मर, मरकजी मजमून क्या है इल्म और मार्फत का हकीकी सोर्स अल्लाह की जात है और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी जो साजह ने भी बताई है कि सजदे वाली बात ना ये पहली सूरत थी जिसमें सजदा आया था ठीक है अब्दुल्ला बिन मसूर रजी अल्लाह तुनों कहते हैं सबसे पहले नाजिल होने वाले सजदे वाली सूरत सराह नजम है अच्छा जी और फिर उसके बाद सुरर सुरर में आप लोगों ने देखा कि बहुत शॉर्ट अंदाज में आ, आ, सारी कौमों के बारे में बताया गया कि किसके साथ क्या हुआ और फिर उसका अंजाम क्या हुआ अल्लाह और इसके अंदर आपको पता है कि यह आयत वलकदन फहल पहल ममदकिर यह आयत चार मरतबा रिपीट हुई है इस सूरत में और यकीनन तहक़ीक आसान कर दिया हमने कुरान को किस बात के लिए जिक्र के लिए और जिक्र आपको पता है जिक्र के बहुत मायने होते हैं एक माना होता है जिक्र का कि किसी चीज़ का सिंपल जिक्र करना जैसे स्टेटमेंट होती है बयान करना एक जिक्र का मतलब याद रखना भी होता है हिफ्स करने के मानों में समझने के मानों में भी आता है भूली हुई बात याद कराने के मानों में भी आता है जैसे अभी हमने पढ़ा ना जिक्र याद दहानी नसीहत इबरत आगाही तंबी वार्निंग्स इन सब मानों में आता है ये जिक्र तो अल्लाह सबहाना तला क्या कह रहे हैं अल्लाह ने इस कुरान को बयान करने के लिए याद रखने के लिए हिफ्स करने के लिए समझने के लिए इन तमाम कामों के लिए अल्लाह सोल्ल ने इसको बहुत आसान कर दिया है तो क्या कह रहे हैं अल्लाह सबाना तै हमको फहल में मुद्दत की तो कोई है तो ये कोई इससे कोई नसीहत हासिल करने वाला कोई है ये हमसे सवाल किया जा रहा है हमें जोड़ा जा रहा है जो ये लोग कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है और पता नहीं तर्जुमा याद नहीं होता और टेस्ट और एग्जाम्स वगैरह से घबराते हैं तो आपको पता है ये सब शैतान के टैक्टिक्स हैं जब अल्लाह सबाना ताली ने कह दिया है कि ये कुरान जिक्र के लिए नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ने के लिए याद रखने के लिए आसान है तो फिर क्या मुश्किल है ना फिर हमारे इसका मतलब है कोई दिमाग के अंदर ही कोई मुश्किल है हालांकि ये कला मुश्किल नहीं है अल्लाह सुबहान्ल ती देखते हैं एक इंसान को कि वो उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है तो अल्लाह सुबहान त उसके लिए हर काम आसान कर देते हैं फिर ठीक है ना अल्लाव एटलीस्ट स्टार्ट तो करें ना हम कोई काम स्टार्ट करेंगे तो होगा ना अल्लाह मुश्किल से बचने का हल क्या कुरान की तरफ आना कुरान नसीहत के लिए भेजा गया है अच्छा जी तो आखिरी वाली आयतें भी बहुत इनमत जन्नातीम्पोर्टेंट फी मकिन इंदा मलिक मुख्त सुबह अल्लाह ब्रेक ले लीजिए आप प्लीज दो तीन मिनट के लिए जरा स्ट्रेच कर लें फिर उसके बाद इतनी प्यारी सूरत है रहमान ये स्टार्ट करते हैं फिर सूरह वाकिया है हदीद है ठीक है दो दो तीन मिनट की ब्रेक ले लीजिए और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं अस्तगफिरुका हमदे इलैक 12 और 7 हो रहे हैं इंशाल्लाह 12 10 पे रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا जी आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उम्मीद है सब लोग आप लोग आ गए होंगे स्ट्रेच कर लिया होगा फ्रेश हो गए होंगे थोड़ा सा अब हम शुरू करते हैं अल्लाह सुभानहु तआला की तौफीक से सूरह अर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर علم القران. خلق الانسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران. بختمه هربان جسمي قران كتاليب دي. वो वैसे भी मेहरबान है लेकिन उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है कि उसने हमें कुरआन दिया है कुरान सिखाया है इंसान को पैदा किया बयान उसने उसे बोलना सिखाया तो क्या हम अपनी जबान से फिर उसके कुरआन को नहीं पढ़ेंगे अब देखिए, जानवर कैसी बोलियां है? बोलते हैं जो हमें तो समझ नहीं आती और एक ही तरह की रेपिटेशन होती है आमतौर पर लेकिन इंसान के बोलने में क्या वैरायटी है कितनी हैं, और फिर क्या उतार चढ़ाव है और कैसी कैसी आवाज़ें हर आवाज दूसरी से मुख्तलिफ होती ये बताते खुद एक बहुत बड़ी निशानी आप लोगों को ना भी देखे सिर्फ आवाज से पहचान जाते अशम सुवल कमरु उस्मान सूरज और चांद एक मुक्र हिसाब के साथ चल रहे हैं और बेलें और दरख्त दोनों सजदा कर रहे हैं और उसने आसमान को बुलंद किया और उसने मीजान कायम किया ताकि तुम मीजान में बेअदाली न करो और इंसाफ के साथ वजन को कायम करो और तराजू में कमी न करो और उसने जमीन को मखलूक के लिए बिछा दिया उसमें फल और खोशों वाले खजूर के दरख्त हैं और भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फूल है तो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट लाओगे? उसने इंसान को ठीकरी की तरह बजने वाली खनक की मट्टी से पैदा किया और जिन को आग के शोले से पैदा किया तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट लाओगे वो दोनों मशरकों और दोनों मगरबों का रब है तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उसने दो समुन्द्रों को मिला दिया जो दोनों बह मिलते हैं इन दोनों के दरमियान एक पर्दा है जिससे वो तजावज नहीं करते तो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उन दोनों से मोती और मोंगे निकलते हैं तो जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट और उसी के है वो जहाज जो समुन्द्र में बुलंद पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए है यानी समुद्र में जहाजों को चलना उसी के इजन से है वरना एक सुई डाले है समुन्दर में तो डूब जाती है और जहाज उसकी सतह पे तैर रहे होते हैं मनो टनो आलाबान तो ऐह जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे जो कुछ भी जमीन पर है वो सब फना होने वाला है आज घर जाके न अपनी हर चीज को देखे और सोचे कि ये सब फना होने वाली है सब खत्म हो जाएगी मैं सिर्फ इन्हीं की चाकरी ना करती रहूं कुछ और भी करूँ जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीज़ों से दिल ना लगाऊं जो चली जाएंगी मेरे हाथ से जो कुछ भी इस जमीन पर है, वो सब पना होने वाला है और दबाम सिर्फ, सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है और वो जुल जलाल है जुल टिकराम है इज्जत देने वाला भी वही है जैसे आता नक्रम जिसे अल्लाह जलील कर दे फिर उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं और दूसरा यह कि उसका हक है कि उसका इकराम किया जाए उसके बंदे उसकी तोहिद और तस्वीर इबादत के साथ उसका करें। तो जिन्नों इस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे जो कोई भी आसमान और जमीन में है उसी से मांगता है हर दिन वो एक नई शान में है यानी हर लम्हा सब के सब उसके मोहताज है उसी से मांग रहे हैं कोई जबान कल से बोल के कोई जबान हाल से कोई दोनों से और जो मांग मांग के गुजारा कर रहा है वो बाकी कहा रहेगा जबकि अल्लाह ताला हर लम्हा नई शान में है किसी को पैदा कर रहे हैं किसी को मार रहे हैं किसी को उठा रहे हैं किसी को गिरा रहे हैं किसी को बीमार कर रहे हैं किसी को शिफा बख्श रहे है इस वक्त भी कई लोग जिंदगी और मौत की में होंगे उनकी रूहें निकल रही होंगी और इस वक्त भी कई फरिश्ते रूहें डाल रहे होंगे सब कुछ वही करने वाला है और इसी तरह अल्लाह ताला की शान है कि किसी के गुनाह बख्श रहा है और किसी पर नाराज हो रहा है किसी से मोहब्बत करता है और किसी से मातु कर दीबान तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे ए जिन्नो इंस के दो भारी ग्रोह हो अंकरीब हम तुम्हारे हिसाब के लिए फारिग हो जाएंगे अब जिनों को मुखातिब किया जा रहा है क्योंकि शराय अहकाम इन्हीं पर लागू होते हैं और सनफरकम ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए वहीद है वरना अल्लाह को दूसरे किसी काम से रोकने वाली कोई मशगूलियत नहीं है कि अल्लाह तभी फारिग नहीं जब फारिग होंगे तो तुम्हारा हिसाब ले लेंगे जैसे हम आमतौर पर जैसे बच्चों को नाराज देंगे ना था, ठहर जाओ थोड़ा सा मैं अभी तुम्हारे खबर लेती हूँ अल्लाह ते नहीं है कि ठहर जाओ क्योंकि मैं अभी जरा मसूफ हूं ऐसा कुछ नहीं अल्लाह सुबहान तला ने एक वक्त मुकर कर रखा है कि जिसमें वो लोगों को मोहलत दे रहा है कि वो अपने आप को प्रूव करें कि वो कैसे हैं वरना हिसाब तो जल्द हो जाएगा कभी आला रबी को मातु कर दीवान तो ऐ जिन्नो इंस तुम तो दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे ए ग्रो जिनो इंस अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाने की इस्तेत रखते हो तो निकल जाओ बगैर कुत और गलबे के तुम नहीं निकल सकते यानी मौत से बचकर जिन्नो इंस कहीं भाग के नहीं जा सकते मजबूत किलों में होने के बावजूद भी मौत आ जाती है तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे तुम दोनों पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा फिर तुम उसका मुकाबला न कर सकोगे यानी जो अल्लाह की कुदरत से बाहर निकलने का इरादा करे उस पर आग के शोले बरसाए जाएंगे तो जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो सुर्ख चमड़े की मानिंद लाल हो जाएगा अल्लाह अकबर क्या मंजर होगा तो जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे फिर उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाह के बारे में ना पूछा जाएगा मुजरिमों से पूछने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो अपनी अलामतों से पहचान लिए जाएंगे कि मुजरिम है ये सवाल तो उनसे उनके गुनाहों के बारे में डांटने के लिए किया जाएगा वरना गुनाहों का तो अल्लाह को खुद ही पता है तो ऐ इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट मुजरिम अपने चेहरों की अलामत से पहचान लिए जाएंगे फिर पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ लिए जाएंगे इमेजिन करें पेशानी के बाल और पाओ दोनों से मुजरिम पकड़े जा रहे हैं। तो कैसे घसीटा जाएगा सर पाओ से ये सारे के सारे तो ऐजन्नो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे हादिही यही वो जहन्नम है जिसे मुजरिम झुटलाया करते थे वो उसके और सख्त खोलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाएंगे यानी जहन्नम से पानी की तरफ जाएंगे कि पानी पिए और वो खोल रहा होगा पानी पी के वापस फिर सख्त आग में ले आया जाएगा उनको तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बाग है हदीस में आता है दो बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उन दोनों में चांदी का है दो बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है वो सोने का है और जन्नत आदन में जन्नतियों के दरमियान और उनके अपने रब को देखने के दरमियान किबरियाई की चादर के सिवा कोई रुकावट नहीं होगी जो उसके चेहरे पर है यानी जन्नत में देख भी सकेंगे लेकिन यहाँ ये यह पता चल रहा है बाघ भी जोड़े की शक्ल में को मातु तो ऐ तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे जबाता अफनान दोनों बाग बहुत सी शाखों वाले हैं यानी पौधे है दरख्त है फलों की कसरत है तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे उन दोनों बागों में दो चश्मे हैं जो बह रहे हैं ऐनानी तजरीन चश्मे दो किस्म के होते हैं एक वो जिनसे पानी निकलता है और आगे आगे जाने लगता है तो वो नदी नाले की सूरत इख्तियार कर लेता है एक वो जिनसे पानी निकलता है मगर उनसे उतना ही निकाला जाता है जितनी जरूरत होती है चश्मा फूट कर निकला और हजरत हाजरा ने उसके बना दी तो रुक गया वरना आपने फरमाया न वो बहता हुआ नजर आता तुम्हें तो इसमें भी खैर थी ना पता नहीं कितनी पोल्यूशन फैला देते गंगा जमुना की तरह नहा नहा के आप में से अगर कोई अर्ली एटीज में गया हो हर जुमरे के लिए तो जमजम का नीचे वाला हिस्सा जहाँ जमजम का कुआ है कभी जाने का इतफाक हुआ होगा तो औरतें नहा रही होती थी वॉशरूम की तरह यूज कर रही होती थी और ऐसे ऐसे सीन होते दिल खराब हो जाता था कभी अय आला रबी को मातु कर जीबान तो है जिन्हों तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे उन दोनों बागों में हर फल की दो किस्में हैं तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को वो ऐसे बिस्तरों पर लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के हैं और दोनों बागों के फल झुके हुए हैं तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे इनमें निगाहें झुकाने वाली औरतें होंगी इनसे पहले किसी इंसान और जिन ने उन्हें छुआ तक नहीं ऐ तो जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? गोया की वो याकूत और मरजान हैं, यानी उनकी रंगत इतनी खूबसूरत होगी जन्नत की का हुसन बताया जा रहा है झांक ले तो जमीन और आसमान के दरम्यान हर चीज रोशन हो जाए यानी उस सिर्फ उसके चेहरे से इतनी रोशनी फूटेगी तो ए जिन्हो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुट लाओगे हल जजा उलहसान लहसान एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है तो ए जिनोइंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे? और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं तो ए जिन्नोइंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे ये दोनों बाग स्याही माइल गहरे सब्ज हैं यानी उनका सब्जा बहुत डार्क ग्रीन है तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उन दोनों में जोश मारते हुए दो चश्मे हैं तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट उन दोनों बागों में फल और खजूर और अनार के दरख्त हैं तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे उनमें नेक सीरत और खूबसूरत औरतें हैं तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुट लाओगे हूरे हैं जो खेमों में ठहराई गई हैं तुका तो ए जिन्हो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नमतों को जुटलाओगे इनसे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने छुआ तक नहीं तो ऐ जिन्हो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे सब्ज नादिर और खूबसूरत कालीनों पर तकिया लगाए हुए तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे बहुत बाबरकत है आपके रब का नाम जो बड़ी शान और इज्जत वाला है तबारक अस्मु रब्बिका ذل جلال वल इकरम ये जो कलमा है ना जुल जलाल वल इकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो तीन दफा अस्तगफुर अल्लाह अस्तगफुर कहते फिर कहते अल्लाहुम्मा अंतास सलाम व बिंकास सलाम तबारकता लियाज अल जलाल वल इकरम अहला तू ही सलामती है और तुझ से सलामती है ऐ जलाल और इकराम वाले और हदीस में आता है कि زل جلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو یعنی يعني اللہ کا بہت بابرکت نام ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی يعني نہیں سورة الواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الْوَاقِعَةَ لَيْسَ لوقعتها کادبہ خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا बिस्मिल्लाम इका वाक्या जब वो वाके होने वाली वाके हो जाएगी अलवा क्यामत के नामों में से एक नाम है यानी उसका वाक़ होना यकीनी अमर है लई सली वक़ातहा का उसके वाके होने को कोई जुटलाने वाला न होगा पस्त करने वाली बुलंद करने वाली है यानी क्यामत बड़े बड़े मुतकबरीन को जहन्नम में फेंक देगी और अहले ईमान को जन्नत के आला मरातब तक पहुंचा देगी इजार उज्जतर जब जमीन बहुत जोर से हिला मारी जाएगी और पहाड़ खूब तोड़ कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे तो वो परागंदा गर्दो गुबार हो जाएंगे यानी रेत के जरात की तरह और तुम सब तीन किस्मों में हो जाओगे तीन ग्रुप्स बन जाएंगे असहाबुल मई मना तिमा असहाबुल मैना बस दाए हाथ वाले क्या खूब है दाए हाथ वाले और बाए हाथ वाले क्या हाल है बाए हाथ वालों का यानी असहाबुल मईमना बड़ी अजमत और शान वाले होंगे और असहाबुल मशअमा बड़ी बुरी हालत में होंगे साबिकून असाबिकून और आगे जाने वाले तो आगे जाने वाले ही है यानि जो अमल में सबकत ले गए और नतीजतन दर्जों में सबकत ले गए किस चीज में आगे निकले ईमान और अमल साले में एक दूसरे से पहल करने वाले यही मुकर्रब लोग हैं। उलाईकल मुकर राहतों वाले बागात में होंगे अव्वलीन पहलों में से एक बहुत बड़ा ग्रोह होगा वो कलील उमिनल आखिरन और पिछलों में से बहुत थोड़े होंगे अलासुर सोने की तारों से बने हुए तख्तों पर मुतकीना मुतकबिलीन तकिया लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे यतूफ अलैहिम विल्दानु मुखल्लदून हमेशा लड़के ही रहने वाले उन पर आ जा रहे होंगे बे अकबा बिम व अबारीक व कासिम मिन माईन बहती शराब के सागर और प्यालों और सुराहियों के साथ वो उससे न सर दर्द में मुब्तला होंगे और न ही वो बहकेंगे और फलों में से जो वो पसंद करेंगे और परिंदों का गोश्त जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, छुपे हुए मोतियों की तरह ये बदला है उस अमल का जो वो किया करते थे वो उसमें ना कोई लह बात सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात मगर सलाम ही सलाम कहा जाएगा वो असहाबुल्यमीन इमा यमीन फी सिद्र मखदूद और दाए हाथ वाले क्या खूब है दाएँ हाथ वाले बगैर कांटों की बेरियो में और तय बताए केलों में और लंबे सायों में और बहते हुए पानी में और बकसरत फलों में तो गोया का मकाम और दर्जा और इनाम बहुत ऊंचा होगा उसके बाद बारी आएगी, आएगी यमीन की जाएंगे जन्नत में लेकिन उनसे कमतर दर्जे में होंगे लामकू न खत्म होने वाले न रोके जाने वाले यानी जन्नत के फलों का कोई मौसम ना होगा वो सीजनल नहीं होंगे हमेशा अवेलेबल होंगे और उनको लाने में भी कोई रुकावट नहीं होगी वह फुरुशिम मरफू आ और ऊंचे बिछौनों में बेशक हमने इन औरतों को नए सिरे से पैदा किया फिर हमने इन्हें कमारिया बना दिया यानी अल्लाह ताला दुनिया की बूढ़ी औरतों को जन्नत में नए सिरे से पैदा करेगा और उबन अतराबा ले असहाबिलियमीन खामदों की प्यारियां और हम उमर दाएं हाथ वालों के लिए यानी कि उनके दरमियान आपस की बहुत मोहब्बत होगी आपस की माफकत होगी दुनिया की लड़ाइयां खत्म मिनल सुनल अवली तुम मिनल आखिरीन मिन पहलो में से एक बड़ा ग्रो और पिछलों में से भी एक बड़ा ग्रो यानी असाबुल यमीन की जमात बहुत बड़ी होगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अहले जन्नत का चौथा हिस्सा हो हमने कहा हाँ फरमाया तुम पसंद करते हो तुम अहले जन्नत का तीसरा हिस्सा हो हमने कहा हाँ तो आपने फरमाया की जिसके हाथ में मेरी जान है मैं उम्मीद करता हूँ अहले जन्नत का आधे जन्नती उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होंगे इंशाल्लाह और ये इसलिए कि जन्नत में मुसलमान के सिवा कोई नहीं जाएगा वह असहाबु शमाल वह असहाबाल और बाएं हाथ वाले क्या है बाएं हाथ वाले जहरीली गर्म हवा और खोलते पानी में और निहायत नित धुएं के में ना ठंडा और ना इज्जत देने वाला शमाल के लिए कोई राहत और आसाइश न होगी कहीं साया न होगा कोई ठंडा पानी नहीं होगा क्यों इन नबलाफी बेशक ये इससे पहले बहुत ऐशो षरत में थे दुनिया में बड़े मजे कर रहे थे क्यूँकि दुनिया की खुशहाली आमतौर पर लोगों को आखरत की जिंदगी से भूल की जो भी गुजार के, के मुकाबले तो बड़ी खुशहाल वकानसरूनाजीम दूसरी वजह वो बहुत बड़े गुनाह पर इसरार करते थे शिरक और कबीरा गुनाह यानी अजाब की वजह अल्लाह की अता करदा नेमतों को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करना था और ये कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाएंगे? यानी एक तरफ शिरक करते थे दूसरी तरफ आखरत पर ईमान नहीं रखते थे क्या हमारे पहले आबाओ अजदाद भी कह दीजिए यकीन पहले भी और पिछले भी सब के सब वो एक मालूम दिन के मुक्र वक्त पर जरूर जमा किए जाने वाले हैं फिर बेशक तुम ए झुटलाने वाले गुमराह हो यकीनन जकूम के दरख से खाने वाले हो फिर उससे पेटों को भरने वाले हो फिर उस पर खौलते पानी से पीने वाले हो फिर प्यास से ऊंटों के पीने जैसा पीने वाले हो ऊंटों की एक बीमारी होती है हयाम जिसमें वो इतना पानी पीते हैं कि पी-पी के मर जाते हैं लेकिन उनकी प्यास ही नहीं जाती प्यास नहीं बुझती तो जहन्नम भी जितना चाहे पानी पिए प्यास नहीं जाएगी और पानी भी खोलता हुआ होगा अल्लाह बचाए यौमद्दीन बदले के दिन उनकी यही मेहमानी होगी हमने ही तुम्हें पैदा किया है फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते यानी जिसने पैदा किया इबादत सिर्फ उसी का हक है अफारा अम माँ तुम नून फिर अल्लाह ताला गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को जिनका इंसान मुशाहिदा करता रहता है क्या फिर गौर किया तुमने जो मनी तुम टिपकाते हो क्या तुम उसको पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं यानी एक स्पर्म से बच्चा कैसे बनता है ये कौन करता है हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत को मुकद्दर किया है और हम हरगिज आजिज नहीं है इस बात से कि हम तुम जैसों को औरों से बदल डालें और हम तुम्हें नए सिरे से ऐसी हालत में पैदा कर दें जो तुम नहीं जानते यानी अल्लाह ताला इससे आजिज नहीं कि वो तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए और यकीन तुम पहली पैदाइश को जानते हो फिर नसीहत क्यों नहीं लेते यानी अपने पैदा होने पर गौर करो तुम देखो अल्लाह ने तुम्हे पहली बार पैदा किया जब तुम कुछ भी न थे तो क्यों नहीं मानते कि मरने के बाद दोबारा उठोगे पहली बार से तो ज्यादा आसान है दोबारा पैदा करना अफर तुम माता क्या भला गौर किया तुमने जो कुछ तुम बोते हो क्या तुम उसे उगाते हो या हम ही उगाने वाले हैं अगर हम चाहें तो जरूर उसे चूरा चूरा कर दे फिर तुम बातें ही बनाते रह जाओ यानी खेती को उगाने वाला भी अल्लाह है खेती की मिसाल ऐसे ही है ना जैसे कोई इंसान जमीन में दफन कर दिया जाए तो वहां जमीन में बीज दफन किया जाता है और उससे पौधा निकल आता है और मुर्दों को दफन किया जाता है तो उससे फिर दोबारा इंसान निकल आएंगे जो रात बीज से पौधा निकाल सकता है वो तुम्हारी हड्डियों को दोबारा क्यों नहीं जोड़ सकता और अल्लाह चाहे तो खेती को रेजा रेजा कर दे फिर तुम बातें बनाते रह जाओ कि ये बीज जाया हो गया खर्चे की चट्टी पड़ गई मेहनत जाया हुई, पैसे जाया हुए अब खाने को भी कुछ नहीं मिला हम तो मारे गए और फिर भी तुम्हारे नसीब में ये नहीं होता कि अल्लाह की तरफ रुझू करो और उससे तोबा करो इन्ना बेशक हम तो तावान डाले गए हैं बल नूम ऊन बल्कि हम तो महरूम कर दिए गए हैं अफरई तुम अल्लादी क्या फिर गौर किया तुमने वो पानी जो तुम पीते हो अंतुम तुम अलमुजनी क्या तुम उसे बादल से उतारते हो या हम उतारने वाले हैं अगर हम चाहे तो उसे सख्त खारी बना दे फिर तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते क्या फिर गौर किया तुमने वो आग जो तुम जलाते हो क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करने वाले है वही दो दरख जरबों में होते थे जिनकी हरी टहनियों को आपस में टकराया जाता था तो आग निकल आती थी हमने ही उसे मुसाफिरों के लिए एक नसीहत और फायदे की चीज बनाया है बस अब बसमी अजीम बस अपने रब के नाम की तस्बी कीजिए जो नहायत अजमत वाला है अल अजीम है अजीम रब की तस्बी तो नबी सल सलम ने इसको रुकू में शामिल कर लिया अलाजीम और सजदे में सुबह पढ़ते थे सितारों के गिरने की जगहों की जहां वो गरूब होते हैं या शहाब साकिब की सूरत में शयातीन पर बरसते हैं और अगर तुम जानते हो तो बेशक ये कसम यकीनन बहुत बड़ी है इन्नाहूल आन करीम बेशक ये कुरान यकीनन बड़ी इज्जत वाला है ये एक महफूज किताब में दर्ज है इसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं कुरान करीम कहा गया करीम सबसे आला और उम्दा चीज को कहते हैं करीम नाम भी होता है लेकिन उनको शायद मतलब ना पता हो तो सबसे आला और उम्दा चीज करीम कहलाती है और किताब मखनू से मुराद लोहे महफूज है यानी कुरान पाक जिस किताब किताब मखनू में लोहे महफूज में है उसे फरिश्तों के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता ये मतलब है इसका यह आयत फरिश्तों से मुतल है इससे अहले इल्म जो ये मसला निकालते हैं ना कि जुम्बी या हाइजा वे वजू शख्स के लिए जायज नहीं कि वो कुरान को हाथ लगाए तो ये बात दुरुस्त नहीं है यानी बाज लोग मना करते हैं कि कपड़े से पकड़ कभी आप उसको नहीं उठा सकते पढ़े ही ना देखे ही ना तो इंसान जितनी भी तहारत हासिल कर ले फरिश्तों जैसा पाक तो नहीं हो सकता तंजील रबीन तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल करता है क्या फिर तुम इस कलाम से बेपरवाही करने वाले हो ये कुरान जितनाज है जो इतनी महफूज जगह पर रखा गया है जो इतना उमदा है तुम इसकी तरफ तोज्जो नहीं कर इसके लिए वक्त नहीं तुम्हारे पास इसको अहमियत नहीं देते इसको नहीं सीखते इस पर अमल नहीं करते वजू न रिश्ता और तुम अपना हिस्सा यही रखते हो कि तुम इसे झुटलाते हो तो क्यों नहीं जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम उस वक्त देख रहे होते हो और हम तुम्हारी निसबत उसके ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते फरिश्ते जान निकाल के ले जाते हैं पता ही है नहीं चलता कब खत्म हो गया इंसान फिर अगर तुम किसी के महकूम नहीं तो क्यों नहीं उस रूह को लौटाते अगर तुम सच्चे हो यानी अगर तुम्हारा कुछ बस चलता है तो मरने ना दो अगर मर गया कोई रूह चली गई, तो वापस लाओ कितना बेबस है इंसान यहां इंसान की बेबसी नजर आती है ना उसका सारा गुरूर और तकबर खत्म होकर रह जाता है तो वो इस पे कादिर नहीं है वह अम्मा इनकान मुक्रबीन रोहन वह रैहान व जन्नत उनम फिर अगर वो मरने वाला मुकर्रब बंदों में से है मुकर्रबीन में से है साबिकून वाले मुकर्रबीन है ना पीछे पड़ा है हमने वो लाइक मुकर्रबुन तो उसके लिए राहत और उम्दा रिस्क और राहतों वाली जन्नत है यानी मुकर्रबीन के लिए मरते वक्त राहत और खुशी होती है रैहान खुशबूदार पौधे और फूल को भी कहते हैं तो जो नेक रूह की जान निकालने वाले फरिश्ते आते हैं ना ने, नेक इंसान की तो वो अपने साथ जो कफन लाते हैं वो खुशबू वाला होता है वो मरने वाले को वो पहुंच जाती अबू हर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं जब आदमी साले हो तो वो कहते हैं निकल है पाक जान जो पाक जिस्म में थी निकल तू तारीफ वाली है और अजीम राहत की और खुशबूदार फूलों की और गुस्से ना होने वाले रब की खुशखबरी पर खुश हो जाओ तीन बातें तू तारीफ वाली है अजीम राहत खुशबूदार फूलों और रब गजबनाक नाक ने उसकी तरफ चलो इस खुशखबरी पे खुश हो जाओ वो उसे यही कहते रहते हैं तक वो निकल आती है खुश होकर निकलती है फिर और काफिर की रूह जिसम में छुपती फिरती है निकलनी मुश्किल हो जाती है फिर उसे आसमान की तरफ ऊपर ले जाया जाता है नेक रूह को और उसके लिए दरवाजा खोला जाता है और कहा जाता है ये कौन है वो कहते हैं फुला है तो कहा जाता है इस पाक जान को मरहबा जो पाक जिसम में थी बड़ी जरूरी है तहारत बहुत जरूरी है पाक जिसम में थी अंदर आ जा दरवाजा खुल जाता है और वो रूह अंदर चली जाती है तो तारीफ वाली है और अजीम राहत की और खुशबूदार फूलों की और गुस्से ना होने वाले रब की खुशखबरी पे खुश हो जाओ वो भी खुशखबरियाँ देते हैं फिर उसे यही अल्फाज कहते रहते हैं हत्या के उससे उस, उस आसमान तक पहुंचा दिया जाता है जिसमें अल्लाह जब चल रहा है वो अम्मा इनका अगर वो दाई जाने वालों में से है तो कहा जाएगा तुम पर सलाम कि तुम दाई जाने वालों में से हो और लेकिन अगर वो मरने वाला वाले गुमराह लोगों में से हुआ तो खोलते हुए पानी से उसकी मेहमानी होगी और जहन्नम में जलना होगा तो बुरे आदमी को फरिश्ता क्या कहता है निकल है खबीस जान जो खबीस जिसम में थी और बशारत सुन खोलते हुए पानी और पीप की और दूसरी कई इसक, कि हम शक्ल कई किस्मों की मुसलसल उसे यही कहा जाता है यहाँ तक के वो निकल आती है फिर ऊपर आसमान की तरफ ले जाया जाता है मगर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता पूछा जाता है कौन बताया जाता फुला कहा जाता है इस जान को जो खबीस जिसम में थी कोई मरहबा नहीं मुजम्मत की हुई हालत में वापस लौट जाओ क्योंकि तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे फिर उसे आसमान से छोड़ दिया जाता है और वो कबर की तरफ लौट आती है हादा इनहा हकुल यकीन बसअह बिसम रब कल आजीम बस ये यकीनी हक है बस आप अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह कीजिए सूरतुलहदीद अजीजुल हकीम हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीर कर रही है और वो बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है यानी अपनी जबान मकाल से भी और जबान हाल से भी लेकिन हम उनकी तस्बी नहीं समझते दाऊद के बारे में आता है कि उनके साथ पहाड़ भी तस्बी करते थे लहू मुल को समावाती व आसमान और जमीन की बादशाहत उसी की है वही जिंदगी बख्शता है और मौत देता है और वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है वही अव्वल है और आखिर भी और वही जाहिर है और मख् भी और वो हर चीज को खूब जानने वाला है यहाँ अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र किया गया है अगर किसी को बस की बीमारी हो शैतान बुरे बुरे ख्याल दिल में डाले तो ये आयत पढ़ा करे और ये चारों सिफात ऐसी कि जो के सिवा किसी में भी नहीं पाई जाती वही है जिसने आसमानों और जमीन को छह दिनों में पैदा किया फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ वो जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उससे निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उसमें चढ़ता है और जहां कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है यानी अर्श पे होते हुए भी अल्लाह ताला अपने बंदों के मामला की खबर रखता है आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी की है और अल्लाह ही की तरफ सब मामला लौटाए जाते हैं वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और वो सीनों के भेद भी खूब जानता है

जबकि रसूल तुम्हें दावत दे रहा है कि तुम अपने रब पर ईमान ले आओ और यकीनन वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुका है अगर तुम मोमिन हो यहाँ पर ईमान वालों को ईमान लाने और खर्च करने का हुक्म दिया गया इसी तरह यहां उन्हें झंझोड़ा जा रहा है कि आखिर क्या वजह के तुम ईमान नहीं लाते यानी ईमान के तकाजों पर अमल करते हुए उसके रास्ते में खर्च नहीं करते हालांकि रसूल खुद तुम्हारे दरम्यान मौजूद है और तुम्हें इस बात की दावत दे रहे हैं

एजाज और बेशक अल्लाह तुम पर बहुत शफकत करने वाला नहाय रहम करने वाला है वो अल्लाह तुम फिकोफी सभी और तुम्हे क्या है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते नहीं दीन की खिदमत के लिए नहीं करते दीन के पैगाम को आम करने के लिए खर्च नहीं करते जबकि आसमान और जमीन की मीरास अल्लाह ही की है अल्लाह चाहे तो सबको खुद से मुसलमान कर दे लेकिन वो तो तुमसे देख रहा है ना की तुम्हारी क्या एफर्ट है कौन अपनी जान लगाता है कौन अपना माल लगाता है और कौन अपनी जान और माल दोनों लगाता है तुम में से जिसने फतेह से पहले खर्च किया और जंग की वो बाद वालों के बराबर नहीं हो सकता ये लोग दर्जे में उन लोगों से ज्यादा बड़े हैं जिन्होंने बाद में खर्च किया और जंग की और अल्लाह ने हर एक से भलाई का वादा किया है और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखने वाला है सहाबा के तीन दर्जे थे पहले दर्जे में वो जो सलाह उदैबिया से पहले ईमान लाकर खर्च करते रहे किताल करते रहे जिसमें साबिकन और अवलिन महाजरीन और अंसार शामिल हैं दूसरे दर्जे में सलाह उदैबिया के बाद और फतह मक्का से पहले इस दरम्यान अरसे में हिजरत और नुसरत का शरफ हासिल करने वाले और तीसरे दर्जे में वो जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए जो हिजरत और नुसरत का शरफ हासिल नहीं कर सके क्योंकि अब हिजरत बाकी नहीं रही थी और दीन गालिब आ चुका था तो यहाँ क्या बताया जा रहा है से पहले खर्च करने वाले और किताल करने वालों का दर्जा बड़ा है लेकिन अल्लाह ने तमाम सहाबत से अच्छी जजा का वादा किया वो हुसना, यानी ईमान की वजह से सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा लेकिन आला दर्जा किसके लिए हैं? वो सबकून के लिए हैं। है। अब देखिये कुछ लोग ना ट्रेंड सेटर होते हैं वो आगे बढ़कर ट्रेंड सेट कर देते हैं और लोग उस पर फिर चलते रहते और कुछ लोग सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं इधर उधर देखते रहते हैं अच्छा कोई और कर रहा है अगर कोई और कर रहा तो उसकी नकल में वो भी कर लेंगे अगर कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं कोई भी नहीं कर रहा ये तो कोई भी नहीं करता तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपॉर्चुनिटी हो जो नेकी का मौका हो उसमें देर नहीं लगानी चाहिए मंदन हसना करीम कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज हसना दे तो वो उसे उसके लिए कई गुना कर दे और उसके लिए इज्जत वाला अजर है कुरान में जहां कहीं भी कर्ज की बात आई है तो अल्लाह ने उसको कर्ज हसना के साथ मुखियत किया इसमें तीन चीजें होती हैं। नंबर एक वो ये कि वो इंसान के पाक और हलाल माल में से हो अब सेविंग अकाउंट में सूद की रकम निकाल के सदका करना कर्ज हसना नहीं है चाहे आप उससे मुसफी खरीद के किसी को दें कोई सवाब नहीं नंबर दो इंसान उसको खुश दिली से निकाले ये दूसरी शर्त है खर्च करते वक्त अल्लाह की रजा सामने हो और तीसरी चीज कि किसी को देकर एहसान न जताए कोई दुख न दे ईजा न पहुंचाए पहली चीज माल से ताल्लुक रखती है कि माल साफ हो पाक हो हलाल हो दूसरी चीज अल्लाह और खर्च करने वाले के दरमियान ताल्लुक रखती है और तीसरी चीज खर्च करने वाले और लेने वाले के दरमियान ताल्लुक रखती है माल भी अच्छा हो नीयत भी अच्छी हो और देकर अखलाक भी अच्छा हो यो मतर मुनामिना उस दिन आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखेंगे उनका नूर उनके आगे आगे और उनकी दाई जानव दौड़ रहा होगा आज तुम्हे ऐसे बागात की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें बहती है हमेशा उनमें रहने वाले हो यही बहुत बड़ी कामयाबी है याद रखिये आमद के दिन सूरज चांद सितारों की रोशनी खत्म कर दी जाएगी क्या के दिन सूरज लपेट दिया जाएगा चांद बेनूर हो जाएगा सितारे बिखर जाएंगे लिहाजा सब लोग कहाँ होंगे सख्त अंधेरे में होंगे जहन्नम के ऊपर पुल सरात रखा जाएगा जिस पर से हर एक को गुजरना होगा को मिला दुहा। उस दिन एक की अपनी रोशनी होगी जो ईमान और अमल साले की होगी अब देखिए काफिर मुनाफिक दुनिया और आखिरत दोनों में अंधेरे में दुनिया में भी अंधेरों में है कुरान आता है ईमान आता है तो वो रोशनी की तरफ जाते हैं और आखिरत में भी अंधेरा क्योंकि अमल है ही कोई नहीं लेकिन मोमिन दुनिया में भी कुरान की रोशनी में अंधेरों से निकल आते हैं गम के अंधेरों से दुखों के अंधेरों से जहात के अंधेरों से कंफ्यूजन के अंधेरों से निकल कर रोशन की तरह वाज किताब को पढ़कर रोशन हो जाते हैं और उस पर अमल करते हैं लिहाजा ये सारे अमाल रोशनी बनते चले जाते हैं आखरत के लिए कबर के लिए तो यहां बताया जा रहा है कि मोमिन मर्दों और और औरतों की रोशनी उनके अमाल और अमल के मुताबिक उनके दाएं जाने पर आगे आगे दौड़ रही होगी और उन्हें खुशखबरी दी जाएगी बुशरा कुम तुम्हारे लिए खुशखबरी है आज किस चीज की जन्नात बागों की एक बाग नहीं कई बागों की तजरी जिनके नीचे नहरें बह रही हैं फीहा हमेशा रहने वाले हैं उनमें दाली कहल फौजुल अज़ीम यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है तो याद रखें हर एक को अमाल के मुताबिक नूर दिया जाएगा हदीस में आता है अल्लाह तला फरमाएंगे अपने सर उठाओ तो लोग अपने सरों को उठाएंगे फिर अल्लाह हर एक को उसके अमल के मुताबिक नूर देगा बास को नूर एक अजीम पहाड़ के बराबर दिया जाएगा जो उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा जैसे आपकी गाड़ी की लाइट होती है ना सामने वाली तो आपके आगे आगे दौड़ रही होती है ना और कुछ लोगों को उससे जरा कम नूर दिया जाएगा कुछ लोगों को खजूर के पौधे के बराबर जो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ होगा और किसी को उससे भी छोटा दिया जाएगा यहां तक के आखिरी आदमी जिसको नूर दिया जाएगा वो उसके पांव के अंगूठे के ऊपर दिया जाएगा पांव के और कभी जलेगा कभी बुझेगा पर जब उसका पांव रोशनी करेगा तो आगे चलेगा जब नूर बुझा दिया जाएगा तो रुक जाएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कुछ दिन नेकी कर लेते फिर रुक जाते फिर छोड़ देते हैं बोर हो जाते हैं फिर कुछ ख्याल आ जाते फिर कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं साबित कदमी इख्तियार नहीं करते तो इसी तरह फुलसरात पर भी होगा जब अच्छे काम किये तो रोशनी हो जाएगी और जब छोड़ दिए तो रोशनी बुझ जाएगी तो हम अपने लिए क्या चाहते कि रोशनी बरकरार रहे लिहाजा वाह बुदरबक का हत्या आती अकल यकीन योम यकूल उलमुनाफिक उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे हमारा इंतजार करो कि हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल करें उनसे कह दिया जाएगा अपने पीछे लौट जाओ फिर कुछ रोशनी तलाश करो तो उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा उसके अंदरूनी जानेब में रहमत होगी जहां ईमान वाले होंगे और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा जहां दूसरे लोग होंगे यूना दू वो उन्हें पुकार कर कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ न थे दुनिया में हम एक घर में रहते थे दुनिया में हम एक जगह काम करते थे वो कहेंगे क्यों नहीं लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाले रखा और इंतजार में रहे और शक करते रहे और तुम्हारी तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और अल्लाह के बारे में इस बड़े धोखेबाज ने तुम्हें धोखे में रखा तो ये उनकी बात हो रही है जो वैसे मुनाफिक है अमल कुछ नहीं और धोखा देने के लिए मुसलमानों के साथ साथ रहते हैं तो यही मुनाफिक उन्हें पुकार पुकार कर कहेंगे की क्या हम तुम्हारे साथ न थे क्या हम कलबा नहीं पढ़ते थे तुम्हारे साथ नमाजे नहीं पढ़ते थे जकत और हज अदा नहीं करते थे और हर काम में तुम्हारे साथ होते थे अब तुम हमें साथ क्यों नहीं लेके जा रहे जन्नत में इसकी वजह क्या होगी उसकी वजह है मुनाफिक निफाक के फितने में रहे और फिर मुसलमानों पर आफत के इंतजार में रहते और अल्लाह और रसूल के बारे में शक और तजब करते उन्हें लज्जतों नाफरमानियों और ख्वाहिशात ने फितने में डाला हुआ था यहाँ तक के मौत का फैसला आ गया तोबा की मोहलत भी ना मिली कि पलट आते तो शैतान ने उन्हें धोखे में रखा याद रखिए दीन में शकूक व शुभहात से बचें, जिस चीज के बारे में शक है उसके बारे में इल्म हासिल करें और यकीनी तौर पर इस किताब को लेकर इस पर अमल करें फलीफरू वाकुमार मसीर लिहाजा आज न तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया और तुम्हारा ठिकाना आग है वो ही तुम्हारी साथी है और वो कितनी बुरी लौटने की जगह है अलम क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए और जो हक नाजिल हुआ उसके लिए झुक जाए और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें इससे पहले किताब दी गई थी फिर उन पर मुद्दत तबील हो गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान है याद रखी ख्वाहिशात वाली जिंदगी इंसान का दिल सख्त कर देती है उसकी वजह एक ये भी होती है कि इंसान बहुत दिन एक ही रूटीन में चल रहा होता है और वो समझता है सब ठीक है तो सब ठीक मुझे और फिक्र करने की जरूरत नहीं लिहाजा दिल टेढ़े हो जाते हैं दिल सख्त हो जाते हैं सही मानों में सोच नहीं पाते सही नतीजे तक नहीं पहुँचते तो अल्लाह ताला पूछते हैं ईमान वाले अभी इस काबिल नहीं हुए कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के आगे झुक जाएं का मतलब झुकना होता है हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए क्या मेरा दिल अल्लाह के आगे झुका हुआ कि जो मैं उसका हुक्म सुनती और सद्दकना कहती या मैं उस पर रिजिस्ट करतीम जान लो अच्छी तरह जान लो अन् अल्लाह लड़दा बदा मोतीहा बेशक अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है यकीन हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी ताकि तुम अक्ल से काम लो इन मुस्नादात व अकरदुल्ला हसनन युदाफुल्हम अजर अजरुन करीम बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसना दिया उनके लिए अजर कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उन्ही के लिए इज्जत वाला अजर है मुसद्दीक़ीन यानी मुबालगे के लिए बहुत ज्यादा सदका करने वाले मर्द और औरतें क्यूँकित करती है वल्लना जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए यही लोग अपने रब के यहाँ नहायत सच्चे और गवाही देने वाले है उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को जुटलाया तो वही लोग जहन्नम के साथी है एलमू जान लोअल हयात दुनिया ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा जीनत, तुम्हारा बाहम करना और अम्बाल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है उस बारिश की तरह जिसकी नबातात ने किसानों को खुश कर दिया फिर वो खुश्क हो जाती है फिर आप उसे देखते हैं कि जर्द हो गई फिर वो चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रजामंदी है दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है लेकिन किसके लिए धोखा है जो इसको कमाने के लिए रात एक हुए है और जो आखरत को तलब करने में लग जाता है तो उसके लिए दुनिया का सामान ऐसा ही है जो उसको ऐसी दुनिया में पहुंचा देने जो वाला जो इससे भी बेहतर है बोला आखिर तू आपका कभी सोचा इसमें आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली दुनिया में तो जब कोई जाता है उसका सारा घर सामान साजो सा हर चीज समेट दिया जाता है घर कुछ से कुछ लगने लगते हैं है। तो आखरत की याद दिलाता है जो आखरत को याद करता है उसकी तलब में मसरूफ हो जाता है तो उसके लिए ये दुनिया ऐसा सामान है जो उसको ऐसी दुनिया में पहुंचा देने वाला है जो उससे भी बेहतर है साबिकुम और जन्नतिन का समाई अर्द एक दूसरे से आगे बढ़ो मुकाबला करो कैसे करें सोचना चाहिए कि मैंने कौन सा काम किससे बेहतर करना है जिसको आप सबसे ज्यादा आइडियलाइज करते हैं उसको रख के कहे मैंने इससे भी ज्यादा करना है ठीक है ना तो एक दूसरे से आगे बढ़ो अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसत आसमान और जमीन जैसी है इतनी बड़ी जन्नत है ये उनके लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं ये अल्लाह का फजल है वो जिसे चाहता है अता करता है अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है पहुंचती है वो एक किताब में लिखी हुई है इससे पहले की हम उसे पैदा करें बेश पर बहुत आसान है यानी इंसान की जात पर या उसके मुतलिन पर जो भी मुसीबत आती बीमारी जख्म भूख प्यास गिरफ्तारी खौफ गम प्यारों की मौत अपनी मौत ये सारी चीजें इसमें शामिल लिकैलाता मुख्त ताकि जो तुमसे खो जाए कभी खोई कोई चीज फिर गम किया दुख मनाया होता है और मैं ये पहले से तकदीर में लिखा हुआ था कि होना ये नुकसान ताकि जो तुमसे खो जाए तुम उस पर अफसोस ना करो इसीलिए कहते हैं कि किसी के मरने के बाद यह नहीं कहना चाहिए कि बड़ा अफसोस हुआ इन्ना इन्ना राजू तात का मसलून तरीका सीखना चाहिए क्योंकि मौत सबके साथ है ना ताकि जो तुमसे खो जाए उस पर अफसोस ना करो और ना तुम उस पर इतराओ जो उसने तुम्हें दिया है अल्लाह किसी खुद पसंद बहुत फख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता यानी जब कोई चीज चली जाए तो गमगीन ना हो जब कुछ मिले तो इतराओ नहीं तो क्या मतलब फिर इंसान किसी चीज के हसूल के लिए कोशिश ही ना करे उनकी हिफाजत ही ना करे कोशिश करे यानी किस्मत को भी सामने रखे लेकिन कोशिश और अमल भी करे असल में जिस खुशी से मना किया गया ना इतराने से वो वो खुशी है जो इंसान को तकबर और सरकशी की तरफ ले जाती है और जिस गम से मना किया गया वो ऐसा गम है जो इंसान को सब्र तस्लीम और रजा से बाहर निकाल दे अल्लाधीनासबिल बखल वो लोग जो खुद भी बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं और जो कोई मुंह फेरता है तो बेशक अल्लाह तो बहुत बेनियाज खूब तारीफ वाला है इससे मुराद वो मुनाफिक है जो कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो गए थे लेकिन जब जहाद का मौका आता तो जंग में शिरकत से गुरेज करते खर्च करने में बुखल करते बल्कि अपने साथियों को भी खर्च करने से मना कर देते और खास तौर पर फीसल्ला खर्च करने से रोकते सूरत मुनाफिकून में आता है ये वही है जो कहते हैं कि इन लोगों पर खर्च ना करो जो अल्लाह और रसूल के पास हैं यहाँ तक के वो मुंतशिर हो जाए चले जाए यहाँ से हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं लेकिन मुनाफिक नहीं समझते लकद अरसलना रसूलना बिल बयिनात यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़े दलाइल के साथ भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीजान को उतारा ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कु्वत है और लोगों के लिए कई फायदे है और ताकि अल्लाह जान लेके कौन उसकी और उसके रसूलों की गायबाना मदद करता है बेशक अल्लाह बहुत कुत वाला बहुत जबरदस्त है असल में हर नेमत का जो सर चश्मा है वो आसमानी है ऊपर से आती है वहीं से अल्लाह के अहकाम आते हैं पानी भी वही से आता है उससे तो जमीन पेदवार रुपती इंसान सरवाइव करते हैं और फिर लोहे का जिक्र आया पीछे तो लोहे के इस्तेमाल के तरीकों का इल्का भी अल्लाह बंदों के दिलों में डालता है कि ये करो नूहन व इब्राहिम फी ज़ुर्रियतिहिम वल किताब और बिला शबा हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और हमने उन दोनों की औलाद में नबत और किताब रख दी फिर कुछ उनमें से हिदायत याफ्ता है और इनमें से अक्सर फासिक है फिर हमने उनके नक्शे कदम पर पैदर पै अपने रसूल भेजे और उनके पीछे हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा और हमने उसे इंजील अता की और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उसकी पैरवी की हमने रहमत और शफकत डाल दी और को उन्होंने खुद ईजाद कर लिया हमने उसे उन पर फर्ज नहीं किया था मगर उन्होंने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए उसे इख्तियार किया था फिर उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा जैसा कि इसका ख्याल रखने का हक था तो उनमें से जो लोग ईमान लाए और हमने उन्हें उनका अजर दिया और उनमें से अक्सर फासिक हैं। यहाँ थोड़ा सा हजफ है, मतलब है, है और अल्लाह की रजा है बहुत ज्यादा यहाँ पर रहबानियत की बात हुई तो की बिदत बाद में शुरू हुई थी और फिर यह भी कहा गया की रबानियत उन्होंने खुद ईजाद की और फिर उसका हक भी अदानी किया लोग ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ वो तुम्हें तो अपनी रहमत से दुगना अजर अता करेगा और तुम्हारे लिए ऐसा नूर बना देगा जिसके साथ तुम चलते रहोगे और वो तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहाय रहम करने वाला है ले अल्लाह आलम अहलुल किताब ताकि अहले किताब जान ले कि वो अल्लाह के फजल में से किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखते अब जब वो इख्तियार ही नहीं रखते तो मालूम नहीं लोगों ने उनके ये नाम क्यों रखे हुए और ये कि बेशक फजल अल्लाह ही के हाथ में है वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है यानी अगर अल्लाह चाहता तो ये जो फजल अता किया गया है आपको और उसने इस फजल के पहुँचने तक तुम्हारी सारी रुकावटें दूर कर दी तो तुम अल्लाह से फजल मांगते ही रहो वादी सुफानक अल्लाह अशद्ला अतुब आज हमने जो भी सीखा पढ़ा, से दुआ है कि वो हमारे अमल में भी ले आए आमीन क्विक रिव्यू जरा देख लें प्लीज दो तीन मिनट में फिर उसके बाद हम क्लास अपने ऑफ कर देंगे सूर्य रहमान आपने नोट किया कौन सी सूरत है सूर्य रहमान मक्की सूरत है, मदनी सूरत है? अल्लाह बारिक सिस्टर सायरा मदनी सूरत है सुबह अल्लाह इसमें आपको पता है थर्टी वन टाइम्स ये आया रिपीट हुई है कभी अय आला रबी को मातु का ठीक है ना और इसका जवाब भी है आता है वो आपसे सलम ने फरमाया था कि क्या बात है कि तुम खामोश रहते हो तुमसे तो अच्छे जिन हैं कि जब जिन वाली रात को मैंने ये सूरत उन पर पढ़ी तो जब तो मैं जब भी फबी अयाला रब्बी को मा तकذاب पढ़ता तो वो उसके जवाब में कहते अल्लाह मुबारक सिस्टर अंजुम ला बिशैइम मिन निअमिक रब्बाना नुकज्जु फलकल हमद ठीक है ना ये इसका जवाब है कि ए अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत की तकज़ीब नहीं करते तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं सुभान अल्लाह ठीक है बहुत प्यारी सूरत अल्लाह इसमें बहुत से हमें वो बताए गए हैं जन्नत के और दोजह के और जो अल्लाह सुबहान तत के के काम करेंगे उनके साथ क्या मामला होगा अल्लाह जो अल्लाह सुबहान डरता है अपने नस् पर काबू पा लेता है तो फिर उसके लिए तो जाहिर बात है इनाम हैं और जो नहीं करते तो फिर ज़ाहिर बात है वैसे ही आगे से रिजल्ट होगा ना सुबहानल्लासल जन्नत फिर दोस अल्लाह तब आपसे जन्नत और फिरदौस का सवाल करते हैं आमीन सुरलवा वाक़ देख लीजिए अच्छा आपको पता है इस सूरत के बारे में मशहूर है ना कि ये तवंगरी की सूरत है और जो शख्स इसको हर रात पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा लेकिन ये कोई इसकी फजीलत कोई मुस्त रवायतों से साबित नहीं है ठीक है सारी ज़यीफ़ ही हैं अल्लाह तीन ग्रोहों की बात बताई गई है इसके अंदर सुरल वाक़ में जैसे हमने आयतों में देख ही लिया

सुरल वाकिया की तो इन हुआ हक्कुल यकीन रब्बिकल अजीम हदीस में आता है कि दो कलमे अल्ला को बहुत महबूब हैं जुबान पर हल्के और वजन में भारी है वो कौन से दो कलमे हैं भाई पता ही होगा सबको सुबहान अज़ीम ठीक है ये दो कलमे हैं जो जुबान पर हल्के हैं लेकिन वहाँ पे मिज़ान में बहुत भारी हैं अल्लाह आप ने फरमाया कि जो ये अल अजीम वाली तस्बी पढ़ता है यानी सुबह एक और भी बहुत सी अल्हमद असकार है ना तो एक और एक और जिक्र भी है सुबह वी तो उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है अल्लाह आप ने फरमाया क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बताऊं जो मरतबे के लिहाज से सबसे बुरा है हमने कहा जी हाँ ने फरमाया ये वो है जैसे अल्लाह के नाम अल अजीम के साथ वास्ता देकर कुछ मांगा जाए और वो कुछ ना दे अल्लाह तो सुबहान अजीम वमदे ही इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है तस्बीहात की ठीक है तो अल्लाह सुबहान तमेजरीन जर में से बना दे आमीर सुरल मदनी सूरत है सुबहान अल्लाह आपने नोट किया कि कौन सी आयत में अल हदीद का लफ्ज आया था जी कौन सी आयत थी वो आया नंबर कोई नहीं जवाब आ रहा सुबहान अल्लाह ट्वेंटी फाइव या मुबारक सिस्टर मोमिन अल हदीद का मतलब क्या होता है लोहा ठीक है ना आयरन बहुत सी आयतें हैं जो एलम से स्टार्ट हो रही हैं Uh, किस बात को अल्लाह सुबहान तला क्या, क्या बता रहे हमको कि आयत नंबर ना हम जो है नीद है कि हम जो है वो ट्रैक पर रहेंगे अदरवाइज तो एक सेकेंड भी नहीं लगता फिसलने में इसके अंदर भी आपने नोट किया आयत नंबर ट्वेंटी वन में साबिकु इलामरती रब वही शौक़ दिलाया जा रहा है कि सबके सब, के सब आ, सबकत करो ए, एक दूसरे से किसकी तरफ जाओ अल्लाह सुबहान तला की मफरत की तरफ ठीक है ना और जन्नत की तरफ आमीन अल्लाह ताला हमें इसके तोफ़ी कत फरमा दे सुबहानल्लाजीना आमन इत वमिन बे रसूली ही वही ईमान वही तकवा का जिक्र है अल्ला असलुदा व तुका वफाफ वल वलना सबमान तला से दुआ है कि जो भी बात हमारे मुंह से निकली हक बात वही हमारे दिलों में दिमागों में रासे कर दे जो कि बात गलत निकल गई तो वह हमारे आ, जो है ना वो उससे हमें दरगुजर का मामला फरमा दे और हमें हमारी जिंदगियों में हमारी असलाह फरमा दे आमीन